जैसा बताया कि हमने कल के सेशन में वी स्टार्टेड विथ इन्फोग्राफिक्स जो हमने इजिली के थ्रू बनाए फिर हमने मैप कॉन्सेप्ट मैप की बात की और थर्ड चीज हमने की एच फाइव की हमने तीन तरह के रिसोर्सेस ऑलरेडी बना लिए हैं आज जो हम अब जो हमारा सेशन है वो है ऑडियो के ऊपर ऑडियो में हम ऑडियो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं चाहे आप फोन से कर लीजिए या लैपटॉप से कर लीजिए वो हम सभी को आता है पर ऑडियो की एडिटिंग कैसे करें और ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए किन खास चीजों का ख्याल रखें उसके अलावा जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए एज अ टीचर हमारा कि वो बे, बेहतर कम्युनिकेट कर पाए या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन है जिसमें से हम चूज करें कि हम कौन सा फॉर्मेट लेके प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सारी ऑडियो की जो जानकारी है अब हमारे अगले जो दो सेशन है उसके अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ है हमारे फेवरेट एक्सपर्ट uh, जो कि uh, कई सालों से ऑडियो का, का काम सीआईटी में ही He is involved. He has been audio producer with us, uh, uh, Mr. Ajit Thoro and Madam Vandana. She both of them have created wonderful, wonderful audio programs. अगर आप लोग सुनेंगे मैं हो सका तो अभी चैट बॉक्स में लिंक डालूंगी एक दो ऑडियो प्रोग्राम्स के जो मुझे खुद बड़े पसंद है कि कितने अच्छे से हम ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं तो अब मैं आ, ये सेशन उनको हैंड करती हूँ पहले हम थोड़ा सा वो theoretically बताएंगे फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा फिर वो आप हाँ लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड हम लोग साथ में क्वेश्चन लेंगे जैसा कि हम कल कर रहे थे तो नाउ आई इनवाइट अजीत सर अजीत सर थैंक यू वेरी मच गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू यू सर फॉर दिस प्रोग्राम हम लोग के यहाँ पे सर अभी आज नॉर्दर्न uh, स्टेट्स है सारे तो हिंदी प्रीडोमिनेंटली ज्यादा बोलेंगे और अंग्रेजी थोड़ी कम बट मिक्स दोनों का चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें सर ओवर टू यू सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको शुक्रिया आ, आज की सुबह आप सबों के लिए बड़ी अच्छी हो आ, सर, आज आप की सुबह के लिए आ, आ रहा है ना आवाज आ रही है वीडियो आपका ऑन हो जाएगा और आवाज आ रही है सर वीडियो नहीं दिख रहा है आपका नहीं वीडियो मैं तो दिख रहा हूँ इसमें नहीं नहीं सर नहीं हमें तो नहीं दिख रहे हैं है वीडियो, वीडियो आपका ऑफ ही दिखा रहा है सर नहीं वीडियो ऑन किया है मैंने वी... मैं अपने हाँ, आपको देख सकता हूँ अब हाँ। आ गया सर अब आ गया हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आज की अच्छी सुबह के लिए और इस समय डॉक्टर मोनिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक अच्छे समय के लिए आभार व्यक्त करता हूं और एक आज uh, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक अच्छा टाइम हम सबको आपस में गुजारेंगे तो uh, जैसे कि बातचीत थोड़ी थी अबाउट द ऑडियो तो अबाउट द ऑडियो वी आर गोइंग टू टॉक बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस समय थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आजकल दो तीन क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं जो कि आपके सामने इस समय बोलना चाहता हूँ आजकल अक्सर लोग बोलते हैं मुझको याद है बहुत पहले uh, बहुत पहले तो नहीं हुआ करीब करीब पांच साल पहले पांच छह साल पहले तो मैं यहाँ सी आई टी में ही एज ए प्रोड्यूसर मैंने काम किया है तो याद करता हूँ मैं कि एक दिन आई वॉज ऑफिस बट कोई एक बहुत ही मतलब वरिष्ठ अधिकारी थे तो उन्होंने पूछा क्या करते हैं तो मैंने कहा कि मैं रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ आई आई प्रोड्यूस द रेडियो रेडियो प्रोग्राम्स तो कहा रेडियो तो बंद हो गया आप क्या कर रहे हैं है ना और ऐसा लगा मुझको जैसे कि ये इतने ज्यादा अन अवेयर है कि इनको को पता नहीं इनफैक्ट कि रेडियो इस समय क्या काम कर रहा है तो सबसे पहला एक क्वेश्चन इस समय रहेगा इससे पहले ये वही रेडियो है जिसने शायद मतलब आपका ढाई हजार लोगों को है ना टाइटेनिक में जो डूब रहे थे उसमें से ढाई हजार लोगों को की इसने जान बचाई थी यही रेडियो है जिसके द्वारा कि हम में से हर कोई जानता है अगर मान लिये भूकंप आ जाए कोई भी नेचुरल कैलोमिटी आ जाए सब कुछ आ जाए तो इट इज द ओनली रेडियो बाकी सारे एंटीना टूट जाएंगे सब कुछ हो जाएगा बट ऑनली दिस इज वन ऑफ द मीडियम जिसके द्वारा कि वी कैन डिपेंड ऑन दिस है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम सेइंग समथिंग कि वीडियो इज बैड मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बात ये है जब हम रेडियो की बात करते हैं आज के दिन में एक सवाल आप कर सकते हैं सारी दुनिया इन दिनों वीडियो की ओर जा रही है सब कुछ हो रहा है क्या सच में लोग ऑडियो प्रोग्राम सुनते भी हैं क्या रेडियो सुनते भी हैं क्या इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन पहले वी नीड टू बी श्योर कि जो बात हम करने जा रहे हैं अगला एक बजे तक तो उसकी एक वैलिडिटी है उसकी एक वैल्यू है तो वी नीड टू बी कन्विंस नहीं तो अगर मन में ये प्री कॉन्सेप्शन रहेगा वाई टू लिसन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो प्रोग्राम तो फिर वैसा रिसीव हम नहीं कर पाएंगे तो जानना चाहिए इन द बिगिनिंग वॉज द ऑडियो यू नो इट that, that तो इस समय कुछ बातें और आपके सामने रखूंगा आजकल uh, एक सवाल चल रहा है कि क्या रेडियो सच में काम नहीं कर रहा है आजकल? तो अभी हाल में एक रिसर्च हुआ, था, एक रिसर्च हुआ था उसमें इस बात का पता चला कि रेडियो आजकल इट हैज कम अपने वेरी इन अ वेरी बिग बिग वे और अगर आप कॉस्मोपोलिटन सिटी की बात करें मेट्रोपोलिटन सिटी की बात करें तो कम से कम सिक्सटी ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन दैट सत्तर uh, प्रतिशत से भी अधिक जो जनसंख्या है शहरों की वो रेडियो सुनकर ही अपना पब्लिक ओपिनियन बनाती है uh, ड्राइव करते समय सब कुछ करते समय है ना उस समय आप देखते हैं कि रेडियो एक अकेली चीज है जो की हमने से हर एक को इन्वॉल्व करके रखती है तो आज uh, आज इस समय देखेंगे सबसे पहले व्हाट टू एक्सपेक्ट आज हम किन किन बातों को एक्सपेक्ट करेंगे uh, कुछ प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने रखूंगा उसके बाद फिर आज रेडियो फॉर्मेट के बारे में बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले आज देखता हूँ कि आज हम और क्या क्या कर सकते हैं you, uh, you, आप में से हर एक हाँ की प्रतिभागिता के लिए बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ फिर से कहना चाहता हूं आज जब हम ऑडियो के बारे में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आई एम कन्विंस्ड कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सारी बातों में चेंज होगा कोर्स Uh, दूसरे साइड में चलते हैं समय. समय देखते हैं कि वट शुड वी एक्सपेक्ट इन दिस कर सकते हैं आप चाहे तो ले सकते हैं सृजनशील लेखन या क्रिएटिव uh, राइटिंग की और विशेष रूप से हमारा ध्यान रहेगा कि रेडियो के लिए कैसे लिखें या ऑडियो के लिए कैसे लिखें ये बहुत विशेष आज के दिन हमारा ध्यान रहेगा क्योंकि इस समय एक बात आपको बता दूं व्हेन यू राइट फॉर द ऑडियो और राइट फॉर द रेडियो राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग फॉर द कान के लिए हम लिखते हैं आंखों के लिए हम नहीं लिखते हैं ना राइटिंग फॉर वीडियो इज राइटिंग फॉर द आईज लेकिन राइटिंग फॉर द ऑडियो इज राइटिंग फॉर द ईयर। हम कान के लिए लिखते हैं और इससे मैं ये कहूंगा बार बार कई सेशन में डॉक्टर मोनिका के साथ उन्होंने बहुत सारे सेशन अटेंड किए एक साथ बहुत जगह रहे ऑलमोस्ट इन दर कंट्री तो एक बात में बार बार बोलता हूँ कि राइटिंग फॉर रेडियो बेसिकली इज राइटिंग फॉर द इयर

भाई अब क्या करें ना वो मुझको देख सकता है ना हम उसको देख सकते हैं देखना भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है लेकिन यहां पर देखते हैं दिस 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 पर्टिकुलर 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 फैसिलिटी है ना और आई मस्ट से द एट्रीब्यूट ऑफ सीइंग ईच अदर बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग अरे भाई तो जब मैं देख ही दे रहा हूं तो व्हाट शुड आई बिलीव है ना क्या मैं विश्वास करूंगा तो इस समय आपको क्या बताना चाहता हूं मैं एक माइक दे देना आपको इस समय क्या बताना चाहता हूं कि आ, जब आप रेडियो प्रोग्राम जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं या जब रेडियो प्रोग्राम की बात होती है यू आर टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड ही इज नॉट एबल टू सी यू यू आर नॉट एबल टू सी हिम बट ओनली यू हैव वन थिंग एंड वट दैट वन थिंग इज देयर आई मस्ट टेल यू दैट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट द माइक्रोफोन मेरे हाथ में इस समय ये माइक है ओके मेरे हाथ में इस समय माइक है ओनली दिस इज द टूल माई डियर फ्रेंड्स अगर मान लिया वीडियो की बात करूं तो इस समय कहूंगा कि दैट इज ऑफ पैसिव मीडियम ओके पैसिव यानी पैसिव से मतलब ये वट एवर इज बींग शोन शोन अगर कोई टाइगर है अगर उसका रंग येलो है या अगर कोई मान लिया कोई बड़ा अच्छा फ्लावर है उसका कलर अगर रेड है तो रेड आप भी कहेंगे रेड मैं भी कहूंगा कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि ये पैसिव है जो दिखता है सो दिखता है अलग बात है जो दिखता है सो बिकता है वो वो एक अलग बात है जो दिखता है सो बिकता है लेकिन मैं बात इस समय कुछ और कर रहा हूँ और बात इस समय ये कर रहा हूँ कि जो वीडियो है उसमें क्या होता है कि जो मुझको दिख रहा है आपको भी दिख रहा है जो मुझको दिख रहा है डॉक्टर मोनिका को भी दिख रहा है शानू को भी दिख रहा है मेरे साथ इस समय यहाँ पर आई रेडियो स्टूडियो में इस समय शानू है इस समय मयंक है ना तो जो हमको दिख रहा है सो दिख रहा है इन लोग को दिखाई पड़ रहा है शानू जी बोलिए मेरा ये मफलर का कलर क्या है ब्लैक ब्लैक है आप बोलिए मयंक जी ब्लैक हाँ ब्लैक क्योंकि दिखाई पड़ रहा है लेकिन ऑडियो में कैसे दिखाएंगे ओके okay. तो ब्रॉडकास्टिंग इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग यू नो यू आर टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड एंड यू आर इन्वाइटेड ग्रेट चैलेंज एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है और वो चैलेंज ये है कि मैं दिखा तो नहीं सकता लेकिन क्या करूं कि वो मेंटली देखने लगे

दुनिया मुझको देख नहीं सकती है लेकिन दुनिया मेरे साथ मुस्कुराती है जब मैं यहां पर रोता हूं आई क्राई क्राई हियर ऑडियंस इज 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 गोइंग टू विद मी इफ इफ नो 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 आर्ट आर्ट हार्ट हार्ट एंड तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सो इट्स अ ग्रेट चैलेंज आपके पास सिर्फ एक माइक्रोफोन है माइक्रोफोन के द्वारा आपको आपको बातचीत करनी माइक्रोफोन छोड़िए आजकल तो मोबाइल भी हो गया माइक्रोफोन क्योंकि स्टूडियो में था आई एम शोइंग इट Uh, बाद में कई क्वेश्चन होंगे जो आप पूछ सकते हैं तो अब थोड़ा तो सा आगे चलते हैं इसी में अबाउट द ऑडियो वी आर गोइंग टू सी वी आर गोइंग टू कम टू वी आर वी आर गोइंग टू कम टू दिस स्लाइड अगेन सेम स्लाइड सेम स्लाइड तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिएटिव राइटिंग इससे पहले कि हम इसके फॉर्मेट के बारे में बातचीत करें कुछ और करें वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू हैव क्या होता है? औ, और से हमारा ध्यान रेडियो या ऑडियो के लिए हम कैसे लिखें और एक चर्चा ये भी रहेगी कि कम से कम कम से कम आ, साधनों के अंदर किस प्रकार हम ऑडियो कार्यक्रम बना सकते हैं अगले स्लाइड में चलेंगे इस समय और नेक्स्ट जी यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप देख रहे हैं वट आर यू सींग हियर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पेंसिल है ओके okay? अब पेंसिल के ऊपर एक बल्ब हमको दिखाई पड़ रहा है एंड पेंसिल इज राइटिंग समथिंग लेकिन बल्ब से लाइट भी निकल रही है okay? से लाइट भी निकल रही है यहाँ पर यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं तो, तो इससे क्या समझ में आता है इससे क्या समझ में आता है इसका मतलब ये है कि यानी क्रिएटिव राइटिंग इज सच कि आप जो कुछ लिखते हैं इट क्रिएट्स द लाइट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ये लोगों के जीवन के अंदर ये लाइट को लेकर क्या मैं स्पिरिचुअल सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं इस समय बोल रहा हूं वर्ल्ड इज नाउ एनकाउंटरिंग सो मेनी प्रॉब्लम आप डिप्रेशन के केस देखेंगे आप फ्रस्ट्रेशन के केस देखेंगे सो मेनी थिंग्स आर देयर इतनी सारी चीजें मिलियंस ऑफ पीपल आर एनकाउंटरिंग विद सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स और ऐसे टाइम में ऑल ऑफ यू आर द टीचर्स और इस समय आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कैसा मैं लिखूं हाउ शुड आई राइट उ शुड आई राइट कि बहुत लोगों के जीवन का जो डार्कनेस है हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिल जाए जो अपने जीवन के बारे में सोच रहा हो कि मतलब पॉसिबली टूडे इज I लास्ट डे आई डोंट वॉन्ट टू लिव so so many problems in my life, I do not want to live, I want to I want to finish my life because I did not meet with the expectation of the people, इतना peer प्रेशर हो सकता है सब कुछ हो सकता है आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके जीवन के अंदर बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होंगी आर यानी डिफरेंट अब मन ही ठीक नहीं तो academics क्या सीखेगा <coughs> तो उसके मन को मुझको तैयार करना चाहिए हाउ शुड आई प्रिपेयर हिज माइंड एंड 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 बॉडी हार्ट द साइकी एंड द सोल हाउ शुड आई प्रिपेयर देम मैं कैसा तैयार करूं कि सो so दैट मेरे लिखने से सर मेरे लिखने से उसके लाइफ के अंदर एक लाइट आ जाए वो कहे कि अब जीना अच्छा लगता है दैट इज अ चैलेंज एक एग्जाम्पल मैं इस समय आपको देता हूँ क्योंकि अभी आ, मेरी मित्र को भी ज्वाइन करना है इस समय और ये कहानी डॉक्टर मोनिका को तो मालूम है लेकिन एक कहानी इस समय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि वी हैव एम्पल ऑफ टाइम और अगर आप लोग को कुछ मैसेज करना है आप लोग मैसेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन आई कैन सी इन द मैसेज बॉक्स बोर होंगे तो वो भी टाइप कर दीजिएगा अच्छा लगेगा है ना तो फिर कुछ बोरियत को दूर करेंगे तो एक सर एक तो, चीज ऐड कर रही हूँ ये हमारे जम्मू कश्मीर से एक पार्टिसिपेंट है हाँ, क्योंकि वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो थोड़े परेशान हैं कि मैं कैसे समझूंगा तो मैं इनको तो, कहना चाह रही हूँ कि सर जो स्लाइड में है वो सारा सर बता भी रहे हैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो आपके लिए दैट इज मोर देन इनफ क्योंकि बिल्कुल वो उसको डिटेल में उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप परेशान मत हो कि स्लाइड में आप कुछ मिस कर रहे हैं नहीं तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि uh, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी बोल देता हूँ हल्का सा है ना मैं सा है। बोल देता हूँ तो uh, सींग माउस uh, uh, है, uh, है आप यहाँ पर आप, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एंड हियर आई एम टॉकिंग पेंसिल एंड यू कैन लुक एट पेंसिल विच इज राइटिंग समथिंग एंड इट इज द बल्ब सो द I mean, uh, की की जिंदगियों के अंदर रोशनी लेकर के आए एक अच्छी शायरी हो सकती है हुँ? एक अच्छा कोई लेख हो सकता है आजकल uh, अगर आप उठेंगे तो ठीक है न्यूज़पेपर है लेकिन बेसिकली वो बैड न्यूज़पेपर है अच्छा न्यूज बहुत कम मिलता है एक्सीडेंट हो गया ये हो गया वो हो गया है ना मैं क्या लिखूं मैं क्या लिखूं कि उसको पढ़ के किसी की जिंदगी के अंदर एक ऐसी बात आ जाए कि कहे अब जीने का मन करता है तो मैं ये बोल रहा था तो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विद यू कहानी की ओर समय चलते हैं लेकिन इस चैलेंज के साथ इस समय चलेंगे कि जो मैंने शुरू में कहा था अगर मुझको शो कर दे जो कि मैंने शुरू में कहा था आप लोगों को जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस समय देखेंगे इसको बड़ा अच्छा है ये कि शुरू में मैं इस बात को बोला था कि वीडियो मीडियम वीडियो मीडियम कोई बुरी बात नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ रेडियो इफ द रेडियो हैज स्ट्रेंथ इट हैज द वीकनेसेस दोनों बातें आपको मिलेंगी तो इस समय आपको क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि आ, जो आ, अभी मैंने पूछा था मेरे मफलर का कलर क्या है आप भी इसको ब्लैक बोलेंगे अगर कैमरा सही है तो आपको भी ब्लैक दिख रहा होगा है ना ब्लैक है क्योंकि जो दिख रहा है वो दिख रहा है लेकिन जब आप एक ऑडियो प्रोग्राम में आते हैं

जैसे मैंने कहा था कि इट इज पैसिव मीडियम जो दिख रहा है वो दिख रहा है लेकिन ऑडियो प्रोग्राम में ये होगा व्हेन व्हेन यू यू ब्रॉडकास्ट अ प्रोग्राम और व्हेन यू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम द लिसनर्स जो सुनेगा अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग पिक्चर बनेगी सो इट अलाउज पीपल आपको एक इंफिनिटी से खेलने का मौका मिल गया दोस्तों इंफिनिटी से खेलने का मौका आपको मिल गया है अब मौका आपको क्या मिल गया इस समय आपको बता दूं कि आप जिस प्रकार से बनाएंगे लोगों के माइंड में अलग अलग तस्वीर को आप क्रिएट कर सकते हैं आप बना सकते हैं इफ आई यूज द साउंड इफेक्ट बाई यूजिंग द साउंड इफेक्ट बाई यूजिंग द म्यूजिक बाई यूजिंग द मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस है ना अपनी आवाज के द्वारा भी मैं बहुत सारे सीन को क्रिएट कर सकता हूँ अपनी आवाज के द्वारा भी मैं बहुत सारे सीन को क्रिएट कर सकता हूँ तो ये बातें वहां पर हैं तो इन बातों को थोड़ा सा हम इसको देखते हैं और अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे

थोरिटिकली आई कैन स्पीक सो मेनी थिंग्स है ना थ्योरी में बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन थ्योरी से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा लेट इग्नाइटेड है ना सा यानी आना चाहिए कि वॉट इज योर चैलेंज एज ए टीचर आप नॉर्दर्न इंडियन स्टेट से हैं और जो मैं देख रहा था काफी स्टेट्स हैं आज के दिन मैं यहाँ पर देख रहा था और आज क्योंकि रिक्वेस्ट है कि हिंदी में ही बोलें हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो हिंदी का इस्तेमाल होगा और जैसा निवेदन है कि हिंदी में बोले लेकिन बाइलिंगल भी आ जाए तो बेयर कर लीजिएगा तो मैं जो बातचीत कर रहा था कि आ, वीडियो में जो दिखता है सो दिखता है आपने सुना होगा कि जो दिखता है सो दिखता है लेकिन जो दिखता है है ना वो दिखता है वो तो जैसा दिखता है वैसे ही दिखता है ही दिखता है लेकिन ऑडियो में आपको एक मौका है बाई यूजिंग द साउंड इफेक्ट बाई यूजिंग द म्यूजिक यूजिंग द मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस इन सारी बातों को यूज करते हुए आप यू हैव द फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स टू क्रिएट द इन पिक्चर्स इन द माइंड्स ऑफ द लिसनर्स जब वो सुनेंगे उनका मस्तिष्क कई प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा हाँ एक मैसेज आ रहा है यस वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी ओके ओके मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी आऊंगा ठीक है थैंक यू सो मच तो इस समय आइए एक मतलब स्टोरी में चलते हैं तो uh, जहां तक uh, इसकी बात है uh, uh, यानी ऑडियो की बात है तो अब आपके सामने एक चैलेंज है और वो ये है कि you have only one means, जो कि यू हैव ओनली वन जो मैंने तभी बताया था एक बार फिर से रिपीट करता माइक्रोफोन इज द ओनली टूल एंड इट इज सो पावरफुल माइ डियर फ्रेंड्स इट कैन इवन इट कैन डू द वंडर्स इट कैन डू द वंडर्स इससे पहले जब टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था इट इज द सेम रेडियो इट वॉज द सेम माइक्रोफोन आई बिलीव

पार्ट ऑफ दूनाइटेड स्टेट्स और वहां हाईवे में आई वॉज सी हाईवे में ऐसा हुआ देर वॉज ए पर्सन हुई द कार में जा रहा था और कार में जा रहा था और जाते जाते क्योंकि देट वॉज द हाईवे है ना हाईवे थी कार का क्या हुआ कार खराब होगी यहाँ पर आ रहा है इज गोइंग ऑन इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच पर दिखाई पड़ रहा है गुड तो आ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद तो कार में जा रहा था जब वो कार में जा रहा था तो अचानक क्या हुआ कार खराब हो गई लंबा नहीं बोलूंगा इसको उसके तुरंत वी विल कम टू द कंटेंट कार खराब हो गई एंड मोटर इज टूर सो परिड वॉट टू डू हाईवे के बारे में आप लोग जानते हैं कार्स बहुत स्पीड में निकलती है नो वन हैज टाइम टू अटेंड टू एनी वन किसी को समय नहीं है है ना लेकिन फिर भी ही वॉज फॉर्चुनेट है ना बहुत लोगों ने कारे रोकी रोक करके पूछा रोक करके पूछा कि सर ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है हाउ कैन आई हेल्प जो स्टोरी जानते हैं उनके लिए थोड़ी ये पुरानी स्टोरी है लेकिन फिर भी एक नए एंगल से आज इसको हम देखेंगे सुनिएगा तो दैट पर्सन वाज रियली वेरी मच वरीड क्या करूं बहुत लोग वहां पर है कोई

फोन भी किया लेकिन कोई आया नहीं ये उन दिनों की बात है जबकि फोन तो क्या फोन तो मैंने फोन मैंने गलती से बोल दिया उन दिनों से लैंडलाइन हुआ करते थे मोबाइल था नहीं कहां से कोई बात करेगा क्योंकि आ, आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ उन दिनों फोन नहीं थे आप समझ जाएंगे इस समय तो इस समय देखेंगे कुछ बातों को ओके तो उतने में देखा क्या देखता है देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है एक उतर करके छाता लेकर के आ गया तो पूछा क्या हो गया तो उसने कहा कि दिखाई तो पढ़ी रहे ना क्या हो गया नहीं वो तो ठीक है ही वॉज इरिटेटेड ऑल्सो अट थोड़ा इरिटेटेड भी था क्या हो गया तो उसने कहा कि कार खराब हो गई तो उसने कहा मैं ट्राई करू

तो आ, आ, इस समय को ही बोलूंगा आप थोड़ा फास्ट काउंट कीजिए की दो सेकेंड तो सुनिएगा क्या हुआ उसने कहा बोनेट उठाओ बोनेट उठाया एक साथ गिनना दोनों वन टू थ्री वन टू थ्री राइट बस इतने में उसने बस छुआ ये किया बोला कि बोनेट डाउन कर दो सच कॉन्फिडेंस <laughs> नहीं कोई आया नहीं आपका सच कॉन्फिडेंस यू हैव ओके इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपको है तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं कॉन्फिडेंस तो है अब चलो कार स्टार्ट करो कार स्टार्ट करो तो जैसे उसने स्टार्ट किया तो कार हो गई स्टार्ट माय फ्रेंड वंदना आल्सो हैज जॉइंट एंड शी इज आल्सो गोइंग टू टेक द सेशन और इसके बाद uh, अभी इस कॉन्सेप्ट पर आएंगे पहले उसके बाद देखेंगे तो द uh, कार कार स्टार्टेड है ना कार स्टार्ट हो गई सब कुछ हो गया तो ये ही विद अमेजमेंट सर आप है कौन uh, कुछ तो बताइए अपने बारे में आप कौन है क्या है मतलब इतने लोगों ने ट्राई किया सर इतने लोगों ने ट्राई किया <laughs> <laughs> इतने लोगों ने ट्राई किया कुछ हुआ नहीं हा? कुछ हुआ नहीं मतलब आप कौन है ढाई बजे से खड़ा हूं हाईवे में है ना इतने लोग आए मैकेनिकल इंजीनियर आए मोटरिस्ट आए सो मेनी पीपल केम नो वन को डू एनी थिंग बट द ब्लिंक ऑफ द आईज कितना टाइम लगता है ब्लिंक ऑफ द आईज

Uh, इसके बाद का सेशन जो ऑडियो uh, के जो दूसरे एलिमेंट है उस सेशन में हम इन्हीं के साथ चलेंगे तो मैं स्टोरी को थोड़ा कंक्लूड करूं, करूं है ना uh, तो ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ कि उसने कहा कि ओके तो उसने कहा नाम तो बता दीजिए तो मुस्कुराता रहा उसने कहा कि माय नेम इज हेनरी फोर्ड एंड हेनरी फोर्ड तो हेनरी फोर्ड को तो कोई भी जानता था ड्यूरिंग दैट टाइम यूएस यूनाइटेड स्टेट्स वाज गोइंग थ्रू द ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन मंदी चल रही थी एंड वी एंड आई मीन विच द वर्ल्ड वाइड और उस टाइम में हेनरी फोर्ड ने जो काम किया उसके द्वारा काफी हद तक जो मंदी थी है ना उसने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट uh, भी हुआ तो एवरीवन न्यू कि हेनरी फोर्ड कौन है एंड ही इज द ओनर ऑफ दिस कार कंपनी कॉल्ड फोर्ड तो इसको बिल्कुल ये बिल्कुल चक्रा गया आर यू हेनरी फोर्ड आप हेनरी फोर्ड हैं तो बोला यस आई एम बोला सर नाउ आई कैन अंडरस्टैंड

बहुत बड़ी बात है आदर की बात है कि आप लोग शिक्षक हैं एक बहुत बड़ी बात है एंड आई पे ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ ऑफ द रिस्पेक्ट टू यू ऑन आवर टीम हम लोग बहुत खुश हैं तो इस समय यह कहना चाहता हूँ कि लाइफ के हाईवे में आपको बहुत लोग मिलेंगे आ, जो शायद खड़े होंगे गाड़ी नहीं चल रही है समस्याओं में उलझे हुए हैं घर के अंदर आ, हो सकता है ब्रोकन फैमिली हो ओके आप लोग स्टूडेंट लोग को डील करेंगे आप जानते हैं बहुत सारा बच्चा होगा जो कि चुप रहेगा क्यों शायद घर ब्रोकन है हेल्प फ्रॉम्रोकन फैमिली क्या करूं अभी भी घर में झगड़ा देख के आया है अभी कुछ और निर्धनता हो सकता है बहुत है? सारी बातें छाता लेके आपको आना है और वो रोल आपको पूरा कर रहा है क्योंकि शायद माँ बाप भी उतना कनेक्शन नहीं जानते जितना एक टीचर जानता है वो जोड़ सकता है क्योंकि आजकल बिजी लाइफ है बहुत जल्दी समाप्त करूंगा आजकल क्योंकि हाँ राइट आजकल क्योंकि बिजी लाइफ है तो क्या है ना कि माँ बाप से ज्यादा समय बच्चे एक टीचर के साथ बिताते हैं राइट ऐसा है ना ऐसे ही है तो क्या है कि आपको एक एक तार का पता होना चाहिए बहुत बच्चे खड़े होंगे आप आ करके कि सन सीम यू सीम टू बी लिटिल बिट डिप्रेस्ड यू सीम टू बी लिटिल बिट डिस्करेज डॉटर वैपन विद यू हेल्प यू और जब वो अपने आंसुओं के साथ आपको बताए या आपके साथ बातचीत करें यू मस्ट बी एबल टू कनेक्ट द वायर्स आप के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए समाप्त कर रहा हूं आपके अंदर यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनको कनेक्ट कर सके ताकि वो भी उनकी कार भी स्टार्ट हो सके और वो भी जिंदगी की हाईवे में वो भी दौड़ सके तो आई मीन ब्लेस यू सो मच और इसी चैलेंज के साथ नाउ आई एम कमिंग टू मेन पॉइंट ये है कि, एक अच्छा साउंड ना? ना? <laughs> अच्छा इफेक्ट आ जाएगा हाईवे जब है तो कारों के दौड़ने की आवाज आ जाएगी एक आदमी परेशान सा है दोनों के बीच में बातचीत हो रही है स्नोफॉल हो रहा है इवन टाइड है वेस्टर्न म्यूजिक आ जाएगी तो यू कैन मेक अ मेंटल पिक्चर बाय प्रोग्राम है ना कोई इसमें शक नहीं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं अब एक चैलेंज में हम आ गए और इसके आपका थोड़ी देर के बाद मैं इस समय जी को दूंगा आ, अब एक चैलेंज आ गया कि नाउ ओके आर यू रेडी टू कनेक्ट द वायर्स आर यू रेडी टू हेल्प हु आर हॉल्टेड एट द हाईवे ऑफ द लाइफ अगर आप तैयार हैं तो लेकिन अब मैं आपको एक टूल दूंगा और वो टूल ये है टूल क्या है टूल ये है कि अब आपको वीडियो नहीं दूंगा अब आपको कुछ और नहीं दूंगा अब आपको ऑडियो प्रोग्राम दूंगा ऑडियो के थ्रू ऑडियो कार्यक्रम के द्वारा कैसे हम क्या मैं बहुत सकता हूँ तो चलना चाहते हैं दो तीन बातें और, और उसके बाद फिर हम क्योंकि आज जैसा मोनिका जी ने बोला था वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रेडियो प्रोग्राम तो फॉर्मेट की बात पर हम बाद में आएंगे और इस समय हम चलेंगे कि ज ए क्रिएटिव राइटिंग वट इज अटिव राइटिंग तो इस समय स्क्रीन को फॉलो करते रहिए और वंदना जी के साथ इस समय हम आगे चलते हैं और इस समय आ, आगे चलेंगे इस समय आ, जी तो जैसा कि सर ने बताया अभी जो एने उन्होंने दिया हम सबके साथ शेयर किया वही एक अपने आप में बताता है कि एक स्टोरी है जब हम स्टोरी सुन रहे थे तो हम नहीं सोच पा रहे थे कि हम इसके ऊपर एक रेडियो प्रोग्राम बन सकता है यही है सुनना और उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि वो एक प्रोग्राम बन जाए यहाँ पर आती है हमारी लिखने की कला तो आ, हम कब लिखते हैं यू कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग वेन यू आर सिटिंग ऑन योर लैपटॉप और आप लिखने से लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते योर राइटिंग स्टार्ट मच बिफोर वेन यू एक्चुअली राइट द स्क्रिप्ट तो आपका राइटिंग कहाँ से शुरू होता है कि जब आप सोचते हैं कि मुझे क्या लिखना है और यदि उसके लिए सबसे पहली बात ये कि हम आपको जो भी हमें लिखना है उसके लिए हमें पहले ये तैयार होना पड़ता है कि हम मेंटली कैसे वो पिक्चर को क्रिएट करें तो इसके लिए आ, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप जब क्रिएटिव राइटिंग करते हैं आपको शब्दों से चित्र बनाना पड़ता है पेन पिक्चरिंग जिसको हम कहते हैं पेन पिक्चरिंग तो आ, लोग आ, आपको सुने आपके आपके मन में आपके जो भी क्रिएटिव राइटिंग है वो आप उसको जो वो बोल रहे हैं वो आप उसको बिंब बना सकते हैं जैसे सर ने बताया हेनरी फोर्ड के बारे में आपके मन में पिक्चर बन रही होगी कि ड्राइव हाईवे पे है बारिश हो रही है ये बिंब बना ये बिंब आप रेडियो में कैसे करें तो क्रिएटिव शब्द जो बना ही है क्रिएशन वर्ड से जिसका मतलब है निर्माण करना बनाना तो वो जो हम बना रहे हैं चाहे हम कोई कविता बना रहे हैं कोई लेख बना रहे हैं या फिर हम एक रेडियो प्रोग्राम बना रहे हैं एवरीथिंग इज क्रिएटिव एक क्रिएटिव वर्क है ये तो और क्रिएटिव में कई बार लोग ऐसा मान इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा हो भी जाता है कि हम जब क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो हम कुछ हमने मैटर हम इकट्ठा कर रहे हैं कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो हम कॉपी कर लेते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं एंड वी थिंक कि हमने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर ली हैं तो ये हमारा एक क्रिएटिव राइटिंग हो गया लेकिन ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है ये कॉपी पेस्ट ही है बेसिकली क्योंकि इसमें आपका अपना कुछ क्रिएटिव नहीं किया है आपने हुँ. आपने एक असेंबल कर दिया है चीजों को लेकिन आपने कुछ क्रिएट नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है जब आप कोई चीज नई बनाते हैं उसमें एक नयापन होना चाहिए वो एक आपका निजी होना चाहिए ऐसा नहीं कि ऐसा तो हमने पहले भी सुना था ऐसी कहानी हमने पहले भी सुनी थी इस तरह का प्रोग्राम हमने पहले भी देखा था ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है इसमें नयापन होना चाहिए सुंदर भी होना चाहिए और आपको उसको सुनकर बहुत अच्छा लगना चाहिए तो इसीलिए इसलिए क्रिएटिव राइटिंग में मतलब मेन चीज ये आपको क्रिएटिव होना है और कुछ नया देना है कुछ आकर्षक देना है और जैसे कि दो तरीके की बातें हैं कि जैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे हमने कुछ रचना करी कुछ लिख दिया एक बुक राइटिंग है हमने तो लिख दिया लेकिन क्रिएटिव कैसे लिखा मतलब लिखना भी एक जैसे सपोज हम एक बात कह रहे हैं हम ये कह देते हैं कि बोल दिया रात थी चांदनी रात थी जंगल में आ, बहुत घना जंगल था और वहां पर एक शेर आया नदी के पास और उसने बोला और शेर की आवाज से शुरू हुआ अब क्या हुआ जो नरेशन किया उसने ये एक एक राइटिंग तो कर दी आपने लेकिन प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो नरेटर के बाद एक शेर की आवाज आई लेकिन ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है जब आप कहते हैं चांदनी रात थी आपको क्रिएटिव राइटिंग में आपका ब्रैकेट में आया म्यूजिक सॉफ्ट म्यूजिक या आपको बताना पड़ेगा क्रिएटिव राइटिंग में आपने कहा कि जंगल तो जंगल की साउंड आने पड़ेंगी तो उसके बाद वो नदी में पानी पहले रहा, रहा तो पहले से होगा तो ये क्रिएटिव राइटिंग फॉर ऑडियो तो आपकी जब आप जब लिखते हैं उसके साथ आपको बिंब बनाने के लिए आपको इनपुट साथ साथ दे, देते रहने पड़ते हैं क्योंकि आप सोच तो रहे हैं वो पिक्चर लेकिन आप ऑडियो में दे नहीं रहे आप अगर आपको सेम पिक्चर ऑडियो में देनी है तो उसके साथ साउंड इफेक्ट म्यूजिक ये सारा कुछ उसमें आपको साथ साथ देना पड़ेगा जैसे कि सृजनात्मक रचना हम एक यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे जैसे इसमें लिखा है चांदनी रात थी और जंगल में सब कुछ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थीं दूर एक नदी भी थी और क्रिएटिव राइटिंग में जो हमने कहा रात के चंद मतलब अब क्या हुआ रात के चंद्रमा के प्रकाश में मानो पूरा जंगल दूध से नहाया हुआ लगता था जानवरों की आवाजें आ रही थी कुछ पंछी भी चहचहा रहे थे नदी का सुमधुर स्वर सुनाई पड़ रहा था तो म्यूजिक अप हुआ चिड़िया आई और म्यूजिक चला तो ये तो हुआ इस तरह से हम आपको क्रिएटिव राइटिंग हम उसको बना सकते हैं इसके लिए हमें ये बात जाननी पड़ेगी क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है आप क्रिएट तो करा जैसे अभी हमने बताया उसमें आप क्या इनोवेशन है आपने क्या नया किया ठीक है ना ये तो एक एग्जाम्पल था छोटा सा कि हम ऐसे एक एक चीज है एक इंसिडेंट है आपने रेडियो में कैसे उसको क्रिएट किया लेकिन आप कैसे इनोवेटिव हो सकते हैं उस चीज के लिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है पहली बात है कि आप किसके लिए बना रहे हैं कौन सा एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको इनोवेशन आपका उससे भी रिलेट करता है कि आप प्राइमरी के लिए अलग से इनोवेटिव होना पड़ेगा अपर प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो दूसरे टाइप का आपका लेवल बढ़ जाता है और उन उस एज ग्रुप के हिसाब से आपको उनकी रुचि और उनका अटेंशन स्पेन के हिसाब से करना पड़ता है तो हमारे चार उसके पॉइंट्स हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको इनोवेशन करना चाहिए नवाचार नवा और एक्सप्लोर करना चाहिए छानबीन की कहाँ से समान क्या लेके आए क्या इनपुट्स लाए हैं ऑडियो में और जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है यहाँ पर एक वर्ड आया अभी बैक कर लेंगे इस पर थोड़ा सा लगा कि इसको हल्का सा और बोल दें कि आ, सबसे पहली बात इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा लेकिन छानबीन बहुत जरूरी है है ना अक्सर क्या होता है छानबीन नहीं करते <laughs> एक बात की डिटेल में हमको जाना चाहिए अगर इफ यू लव सम एग्जाम्पल आपको देता हूँ तो आप पूरी छानबीन करेंगे है ना कौन सा कलर अच्छा लगता है खाने में क्या अच्छा लगता है पीने में क्या अच्छा लगता है ना अच्छा किस प्रकार का आ, क्या खाना बनाऊ या क्या ऐसा करूं कहाँ घूमना अच्छा लगता है तो इक्वली यू मस्ट ऑल्सो लव द स्क्रिप्ट अगर आप स्टूडेंट को या बच्चों को प्यार करते हैं तो उनके उनकी एक एक रुचि को आप देखेंगे इसको जब आप देखते हैं तब क्या होता है कि उसका रंग कुछ और निखर करके आता है आगे अगर चलते हैं तो नवाचार नवाचार यानी आचार तो आप जानते हैं ना मतलब बिहेवियर नवाचार मतलब एक ऐसी चीज जो कि नहीं है इसका मतलब यह हुआ नवाचार को कैसे समझाओ बहुत बार आपने इनोवेशन सुना होगा लेकिन सिंपल वर्ड में ऐसा बोलेंगे वो सोचिए जो किसी ने जो किसी ने नहीं सोचा वो लिखिए जो किसी ने नहीं लिखा अरे जो सबने लिखा वही कॉपी और पेस्ट हो गया तो वो थोड़ी नवाचार नवाचार वो है कि हम वो लिखें जो किसी ने नहीं लिखा हम वो सोचे जो किसी ने नहीं सोचा हम वो कहानी लेकर के आए जो कहानी आज तक सुनी नहीं गई है ना तो अब जैसे पंचतंत्र की कहानी है कुछ है ये कहानियां तो हम जानते हैं इसमें नवाचार हो सकता है लेकिन आ, आ, एक मतलब छोटी सी बात मुझको याद आ गई देन इट विल बी ओवर टू वंदना जी अगेन एक बात मुझको याद आ गई कि गांव के अंदर जैसे बहुत सारी लोक कथाएं हैं बहुत सारी लोक कथाएं तो हम जानते हैं लेकिन मैं देख रहा था बहुत बड़ा ग्रुप है आप लोग का हर एक स्टेट के अंदर है ना Uh, आपका उत्तराखंड भी है अलग अलग स्टेट है उत्तर हर, प्रदेश है हर एक स्टेट के अंदर मुझको लगता है अलग अलग स्टोरीज hmm. अलग अलग स्टोरी होंगे मुझको याद है आई बिलोंग टू झारखंड स्टेट तो मुझको याद है कि मुझको पता चला एक ओल्ड वुमन है एक ओल्ड वन एक, एक है और वो एक ओल्ड वुमेन है और करीब करीब वो एक 106 साल की थी, एक 106 साल है ना <laughs> एक सौ साल और उसके बारे 106 साल होना चाहिए ये तो एक नई बात है ये लेकिन इससे बड़ी बात क्या थी मुझको क्या पता चला मुझको पता चला कि उसको कम से कम छह सात सौ कहानियां याद है जो कि लोक कथाएं है, है ना अगर मैं इसको लेकर के आऊं तो मुझको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पीढ़ी एक इन नई लोक कथाओं को भी सुन सकेगी तो नवाचार कुछ इसको कहते हैं हाँ, में मैं जैसे सर ने बताया नवाचार अब क्या है आपके पास कोई टॉपिक जब आप प्रोग्राम बनाएंगे स्क्रिप्ट लिखेंगे तो या तो आपके पास सब्जेक्ट होगा या आप खुद चूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक हम देते नवाचार की जैसे बात करें इनोवेशन की क्या ऐसा दू जो किसी ने नहीं दिया हो तो जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ताजमहल आप क्लिक करेंगे तो ताजमहल पे पूरा गूगल सर्च पे आपको भरा हुआ मिलेगा तो आप ताजमहल पे क्या बताएंगे ताजमहल पे सबको सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ पता है तो इसी तरह का चैलेंज आया हम लोगों के पास कि ताजमहल पे प्रोग्राम बनने का अब ताजमहल में ऐसी क्या चीज करें कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे हम उसमें एक्सप्लोरेशन भी करें कुछ ऐसा हो कुछ इनोवेशन हो और फिर ऐसा क्रिएटिव राइटिंग करें कि बच्चे उसको सुन सकें तो उसके लिए क्या किया कि कि क्या है 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 जो चीज वो वो कहा जाता है कि वो मुमताज महल की याद में हुआ और उसके बाद उनकी डेथ के बाद वो बना तो अब इसको क्या किया जाए तो तो हमने सबसे पहले देखा कि जिसमें इस पूरे ताजमहल के टॉपिक में एक मुमताज महल है जो एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका उसको शुरुआत की कि वहां से जहां से पहले सीन में तो उसकी डेथ हो गई अब वो फीमेल कैरेक्टर भी गया बाकी सारे क्या है उसमें हैं उसमें इंजीनियर्स हैं आर्किटेक्ट हैं और रिसर्च कर रहे हैं मतलब कि क्या बनाया जाए तो वो प्रोग्राम किस पे बना कि शाहजहां सोच रहा है किस तरह से बनाए कौन कौन से आर्किटेक्ट उसमें इन्वॉल्व थे कौन कौन से इंजीनियर्स थे किस तरह का उसकी मैपिंग हुई उसमें किस तरह के उसकी डिस्कस, हुए कहां से मटीरियल आया ये बहुत राइट टॉपिक पे कहानी चली इस पे ड्रामा हुआ उनके कन्वर्सेशन हुए और फिर बाय द टाइम दैट ताजमहल इज बिल्ट द प्रोग्राम फिनिशेस द मतलब प्रोग्राम ताजमहल पे था कि ताजमहल की क्रिएट कैसे क्रिएट हुआ उस पर था ना कि ताजमहल बनने के बाद क्या हुआ ताजमहल बनने के बाद एवरीबडी नोज तो इनोवेशन क्या थी कि ताजमहल बना कैसे वो उसकी बनने की कहानी है तो ताजमहल जहां बना वहां कार्यक्रम खत्म तो इस तरह से आप कोई अगर आपके पास ऐसा टॉपिक भी है जो बहुत सुना हुआ है तो आप कैसे उसमें क्रिएटिव लाएंगे कैसे इनोवेशन करेंगे ये क्रिएटिव राइटिंग का एक मेन क्रक्स है हाँ, तो एट द सेम टाइम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि अब मैं समय देख रहा हूँ ये बोला जा चुका है कि आपके पास कैमरा नहीं है सिर्फ माइक है श्रोता आपको देख नहीं सकता नहीं। ये ऑलरेडी शेयर कर चुका तो अब एक बात देखना चाहिए कि अभी जो वंदना जी ने बोला और हमारे बीच में सारे प्रोड्यूसर्स है यहाँ पर इस समय एक बार बीच में आपको मौका होगा सारी टीम को आप देख सकेंगे तो क्या है कि आप क्या करना चाहिए देर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑनो ओनोमोटो ओनोमोटोपोया एक वर्ड है और अगर हिंदी में कहेंगे तो आपका ध्वनि अलंकार ध्वनियात्मक अलंकार यानी ऐसा अलंकार जिसके द्वारा की ध्वनि के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं रेडियो इज नथिंग बट न ऑनोमोटोपोया है ना क्योंकि इट इज साउंड तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो बंदा जी ने अभी बताया और इससे पहले जो हेनरी फोर्ड की हमने स्टोरी सुनी राइट इन सच अ वे सो दैट यू कैन कम्युनिकेट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल साउंड्स Uh, yes. uh, जिंदगी क्या है धुंध है कि अंधा धुंध है अब यहाँ आप क्या म्यूजिक दोगे है ना <laughs> लेकिन लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि चांदनी रात थी तो जैसा अभी हमने सुना कि सॉफ्ट म्यूजिक मान लिया मैं बोलता हूँ जैसे एक कहानी एक समय की बात है बच्चो जंगल में एक शेर रहता था कौन रहता था शेर शेर का डाल नहीं सकते। अब जंगल में आते हैं, जंगल एक शेर रहता था लेकिन अब आगे चलते हैं देखिए यहाँ तक तो एक जंगल की म्यूजिक डालती जो हो गया वो हो गया ठीक है अब देखिए आगे चलते इसी बात को अब थोड़ा सा आगे देखते हैं तो बच्चों उसके बाद उसने एक काम किया और उसने ये किया कि कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं अब तो मैं बहुत जगह जा नहीं सकता तो एक काम करूंगा बारी बारी से एक एक जानवरों को बुलाऊंगा बारी बारी से एक एक जानवरों को तो सबसे पहले उसने बुलाया आप कोई भी जानवर यहाँ पर रख लीजिए सबसे पहले उसने बुलाया मैं मैं इसे बोल सकता हूँ एक जंगली भैंसे को बुलाया ओके तो वो आया तो अब आपको यहाँ पर साउंड का मौका है यहाँ पर अब आपको साउंड का मौका है फिर होते 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 जैसे जैसे आगे जाएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे आप एज मच एज पॉसिबल साउंड को आप यूज कर सकते हैं अगर कोई दूसरी कहानी में जाए जैसे मान लिया कि जलिया वाला बाग बस थोड़ा सा टाइम लेकर इसको करता हूँ जलिया वाला बाग बड़ा अच्छा है यहाँ पर है ना जलिया वाला बाग के बारे में तो फॉर्मेट क्योंकि आज ये रिक्वेस्ट था कि हम फॉर्मेट को भी देखें तो जैसे कि आपका बैसाखी का दिन था अब बैसाखी का दिन था तो बैसाखी एक त्योहार है है।, है ना अभी हम आपस में बात करते हैं बैसाखी का दिन था मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा साउंड में बैसाखी का पंजाबी उसका म्यूजिक आएगा जिसमें बैसाखी का जो डांस और जो ढोल है वो पीछे से बैकग्राउंड में आ रहा है और लोगों की 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 भीड़ भीड़ की भीड़ भीड़ जलिया की वाला भीड़ बाग में बिल्कुल चली आ रही थी यहाँ पर भीड़ का साउंड इफेक्ट है और दो, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं पीछे पीछे और साथ में ढोल का म्यूजिक अप होता है और फिर डाउन होता है मेरे और उसके बाद सबके मन में एक बहुत बड़ा कौतूहल था ये लोग वेट कर रहे थे कि डॉक्टर किचलू और लाला लाजपत राय जैसे नेता आने वाले हैं भीड़ के अंदर सरगोशी चल रही थी भीड़ के अंदर बातचीत हो रही थी कि और लोग नारे लगा रहे थे डॉक्टर किचलू को रिहा करो डॉक्टर सत्यपाल को रिहा करो और कुछ लोगों ने वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ लोग त्यौहार मना रहे हैं हाँ कुछ लोग त्यौहार मना रहे हैं ऐसा हो रहा है लेकिन साथियों इस समय ये कहना चाहते हैं कि जलियां वाला बाग के बारे में एक बड़ी यूनिक चीज आपके सामने हम लेकर के आना चाहते हैं और वो ये है साथियों जलिया वाला बाग के बारे में शायद आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसमें मात्र एक दरवाजा था एक ही दरवाजा था तो एक ही दरवाजे से तो भीड़ की भीड़ बिल्कुल आती चली जा रही थी और फिर मैसेज होने लगे जो लीडर्स थे वो बोलने लगे इतनी देर में अचानक लोगों ने कुछ आवाज सुनी कुछ आवाज सुनी वो Uh, यहाँ पर uh, जो सैनिक हैं उनके पैरों की जू, जूतों की आवाज आ रही होगी जो मार्चिंग टाइप का है रप, 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 है ना जो बिल्कुल बूट्स की आवाज है हा? और साथ में ड्रम की बीट जो कि टेंशन को क्रिएट कर रही है जो कि टेंशन को क्रिएट कर रही है अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑनोमोटोपोइया है ना ध्वनि अलंकार का हम प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं तो वहां पर देखिए अब उसकी आवाज आने लगी है अचानक बिल्कुल हॉल्ट है ना क्योंकि वो चलती थोड़ी चली जाएगी जलिया वाला बाग के पास कहा रोकू वो जब हम अभी में जाएंगे, <laughs> जाएंगे तो पता चलेगा है ना हम लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता था शुरू में हाउ टू एडिट आगे जनरल डायर उनका जो अगुआ था जो लीडर था सामने आकर के खड़ा हो गया अब यहाँ पर क्या है की यहाँ पर अब ड्रामा है ड्रामा यहाँ पर होगा इनकी ये हिम्मत और ये आई से आई से फायर है ना उसके जब हुआ तो गोली चलने की आवाज आएगी अब गोली चलने पे मशीन मशीन गन गन तो आएगी नहीं जो कि तब मशीन गन नहीं क्योंकि <laughs> तब थी है ना और आजकल का अब ये नहीं की एके फोर्टी सेवन लगा दिया डर डा ड मतलब ये नहीं है है ना हाँ। आपका थ्री नॉट थ्री आपको रिसर्च में जाना, जाना पड़ेगा, पड़ेगा कि हाँ। उस समय उस समय सिंगल शॉट राइफल्स होती थी हाँ सिंगल शॉट राइफल होती थी और वो खटखट करके वो जो लोड करते थे वो वाली ऐसे ऐसे एक, एक सिंगल शॉट वाली वाली और साउंड नहीं होती थी। हाँ। आपको रिसर्च करके थोड़ा सा ये शेयर हो जाएगा कोई बात नहीं आगे देखते हैं और यहीं पे एक बात भी कहना चाहते हैं जैसे सर ने बताया अभी जैसे जलिया वाला बाग के लिए तो जो भी वो बता रहे हैं कि जनरल डायर आया ये आपको लिखना होगा ब्रैकेट में जनरल डायर आता है पदचाप या गोली की आवाज या राइफल की आवाज ये आपको उसमें लिखना होगा आ, सा, साथ के लिए क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा प्रोड्यूसर को थोड़ा सा आपको इंडिकेट भी करना होगा साथ साथ तो अब हम आते हैं छह मुख्य बातें जिन पर रेडियो के लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषा है हमेशा वो बोलचाल की हो, है ना कठिन भाषा ना हो हाँ अगर आप एफएम रेडियो पर सुनते हैं तो रेडियो जॉकी को सुनिए वो कभी कोई बहुत कठिन क्लिष्ट कम... भाषा का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर हमको ये और क्योंकि हम एजुकेशनल उससे मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ। तो उसमें ये है की जो हमारी भाषा तो यथासंभव बोलचाल की हो लेकिन उसमें एक गरिमा भी होनी चाहिए कोई ऐसे वर्ड्स कुछ हम ना प्रयोग करें जो कि हमें नहीं कहने चाहिए तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग जैसे हम आप बात कर रहे हैं उस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए हाँ तो अब हम लोग आपका फुल स्क्रीन में आ रहे हैं हम लोग फुल स्क्रीन में आ रहे इस समय एक एग्जाम्पल इस समय आपके सामने रखेंगे है ना तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो बड़े कठिन शब्द ना हो है ना वी शुड नॉट वॉमिट आउट है ना uh, ऐसा ऐसा अपच हो गया कि लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना जानता हूँ है ना ऐसा नहीं मैं सब कुछ बताऊंगा जो जो वोबलरी हाँ। मैंने गेन करी है सारी हाँ। आज तो मैं दे ही दूंगा आज तो दे ही दूंगा।, तो दूंगा पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले हाँ है ना तो लैंग्वेज दिखाने की जरूरत नहीं है ना एज सिंपल एज पॉसिबल है ना बहुत बार एक लालच होता है बहुत बार एक लालच होता है कि यार पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं फलाना को इम्प्रेस करना है तो मारी दो है ना भारी भारी हाई साउंडिंग लैंग्वेजेस तो बाद में पता चला कि बहुत बार आप किताब लिखते हैं लेकिन अपने पढ़ने के लिए कोई और समझता नहीं हाँ। है ना तो खुद हाँ शांत सुखाए और दूसरों के दुखाए है ना यही बोल सकते हैं ना यही बोल सकते हैं तो शांत <laughs> के बाद समझ भी नहीं आया तो ओके लेकिन इस समय क्या है कि और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बोलिएगा हम लोग को भी थोड़ा मतलब हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है ना तो सुनिएगा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि लालच नहीं करना चाहिए बहुत शब्दों का मैं क्या सुना दू है ना हाई साउंडिंग वर्ड मतलब एकदम सुनते ही गिर पड़े है ना तो कोई नहीं गिर पड़ेगा बाद में आप देखेंगे एज ए ब्रॉडकास्टर इफ यू आर थिंकिंग दैट माय प्रोग्राम इज बाद में पता चलेगा आपका कोई ही नहीं है।, नहीं है अफ्रीका पहले, पहले में अफ्रीका की कहानी बताता हूं बंदर पकड़ने का एक तरीका है है ना बंदर पकड़ते हैं जैसे अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो जाल जाल बिछाते हैं ना जाल में फंस जाता है अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं या अलग अलग तरीके हैं बंदर पकड़ने के लेकिन अफ्रीका का तरीका बिल्कुल अलग है सुनिएगा ये बात बिल्कुल आप लोग को याद आ जाएगी अफ्रीका की बात कर रहा हूं वहां पर क्या होता है नारियल का खोल होता है है ना दोनों मिलके बताएंगे आ, और आ, अभी आप ये लगे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लें तो अः क्या ये ऑडियो प्रोग्राम की तरह साउंड कर रहा है लाइव लाइव है ना लाइव बातचीत कर रहे हैं तो अफ्रीका में क्या होता है नारियल का खोल होता है ओके नारियल का खोल आपने देखा होगा और उसमें क्या करते हैं कि छोटा सा छेद बनाते हैं ऊपर में है ना छोटा सा छेद अंदर में अंदर में रख देते हैं चने अंदर में होता है चना रखा होता है और बस छेद इतना बड़ा होता है कि बंदर खाली अपना हाथ अंदर अंदर डाल सके ओके देखेंगे हाथ खाली अंदर डाल सके हम किस थीम को समझा रहे हैं शब्द हाँ, शब्द कि दे हमको दे। लालच नहीं होना चाहिए मतलब बहुत सारे शब्दों को डालने का लालच नहीं होना चाहिए लालच होने से फंसते हैं होता क्या है देखिएगा इस समय आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अब बंदर आता है अब उसको पता है जी कि नारियल के खोल के अंदर क्या है चने हैं हाँ चने हैं उसको पता है पेड़ से देख रहा था है ना छिप के देख रहा होगा ना। है ना छिप के देख रहा चना डाल दिया हाँ, 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 अब बढ़िया है अब वो आता है लेकिन आपको मैंने ये बताया छेद इतना बड़ा ही होता है कि हाथ जा सके तो बंदर आता है और हाथ खोल के अंदर डाल देता है डाल देता है अब डालने के बाद उसने चने को भर लिया मुट्ठी में लेकिन वो खोल में जो छेद है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि मुट्ठी को निकाल सके मुट्ठी को नहीं निकाल सकता है अब क्या निकालने के लिए हाथ खोलना पड़ेगा हाथ निकालने के लिए जान बचाने के लिए उसको हाथ खोलना पड़ेगा चने का लालच छोड़ना पड़ेगा चने का लालच छोड़ना पड़ेगा च... चने का लालच छोड़ना पड़ेगा है ना लेकिन अब क्या है कि अब चना तो छोड़ नहीं सकता कैसे छोड़ दू जी है ना बिल्कुल छोड़ नहीं सकता मतलब चना और ट्राई करता है पूरा है ना उससे कुछ होता नहीं चाहे वो लहु लुहान हो जाए लेकिन चने छोड़ने नहीं क्योंकि लालच है कि अब चना कैसे छोड़ दू है ना

आपको उसके लेवल पे जाना आपको छोड़ना पड़ेगा आपको अपना लालच ये कि मैं सब कुछ अभी दे दूं इसी पल इसी प्रोग्राम में दे दूं ये लालच छोड़ना पड़ेगा और उसके लेवल पे जाना पड़ेगा आपकी वोकैबलरी आपका ज्ञान जो आपके साथियों को आपके बारे में मालूम है उसको छोड़ना पड़ेगा भूलना पड़ेगा हाँ तो और जिस बच्चे के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं उसके लेवल पे जाना पड़ेगा राइट तो तो मतलब बंदर की बात हम कर रहे थे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम क्या लिखते हैं और लिखने में किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और कोई मतलब दैवीय टाइप का प्रोग्राम मत बनाइए मतलब कुछ ऐसा बहुत इम्पोसिबल टाइप का जो जो कि हो ही नहीं सकता है ना ऐसा नहीं, नहीं। मतलब वो बनाए हम अपनी योजना ऐसी कि कि जो पॉसिबल है जो कि पॉसिबल है तो वो बंदर वाली कहानी आपको याद होनी चाहिए हमेशा ये जब भी याद करेंगे आ, मैं याद करता हूँ जब शुरू में आया था तो सबसे पहले मैं अपने अनुभव को शेयर करूँ आई ज्वाइंटीन एटी नाइन तो उस समय की जो हेड हुआ करती थी उन्होंने बुलाया और कहा कि ओके अब एक काम करो कि एक स्क्रिप्ट लिखो है ना एक स्क्रिप्ट लिखो जी तो मैंने कहा ठीक है लिखता हूँ और बिल्कुल मन के अंदर ये था कि बिल्कुल हाँ रंगरूट हूँ ना बिल्कुल एकदम नया नया हूँ तो नया सिपाही नहीं होता है मतलब ऐसा कि क्या लिखू कि इन प्रोफेसर साहब भी बेहोश हो जाए ना? है ना मतलब ऐसा और मैंने लिखा है ना और लिखा बिल्कुल तो अब बाद में मुझको पता चला उसको मैं ही पढ़ सकता था उसको मैं ही पढ़ सकता था क्योंकि क्या था कि अब जैसे एक लैंग्वेज आपको बोलता हूँ आप बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ चांदी रात के बारे में कर आलोकित करती थी खाली आलोकित समझ में आएगा हाँ। रमनीय और लोचनाकर्षक क्या होता है हाँ। <laughs> कोई बात है मतलब ऐसी कि आज मैं तुमको बिल्कुल पढ़ा के रहूंगा यानी ये लालच नहीं होना चाहिए हमेशा भाषा ये रहे कि दूसरा भी इसको समझे तो जब हाँ। हमारी हेड ने देखा बोला ये तुमने क्या लिखा है मैंने कहा ये ये लिखा लिखा तो है है बोला इसको कौन समझेगा ये आपने अपने सुख के लिए जाइए दोबारा लिख करके लाइए शायद पांच बार लिखने के बाद हाँ। मुझको ये समझ में आया कि वी हैव टू टू कम डाउन द लेवल ऑफ द ऑडियंस हाँ और आप अलग अलग स्टेट के हैं इसके बाद हम थोड़ी देर के फॉरवर्ड और जैसे कि सर ने बताया ये तो है ही कि हमें अपने जो स्पोकन वर्ड्स हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग करना है लेकिन साथ ये भी है कि बोलचाल की भाषा भी वो ढेर सारी थी हमको डाल देनी मतलब जितना मिनिमम जब आप रेडियो प्रोग्राम बना रहे हैं तो जितना आप साउंड इफेक्ट से बोल सकते हैं आप उन्हीं से बोल लीजिए आपको हर चीज एक अगर हम रोड पे जा रहे हैं आपका ट्रैफिक आ रहा है तो रोड पे ट्रैफिक था बोलने की जरूरत नहीं है चाहे वो आम बोलचाल की भाषा है जैसे की अगर और साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा की जो हम लिख रहे हैं तो जब ऑडियंस सुनेगा क्या उसको वो सब सुनाई देगा मैं जैसे सर ने बताया एक ऐसे ही मैं एग्जाम्पल किसी का राइटर का एक स्क्रिप्ट था उसमें उसने लिखा था ब्रैकेट में कि एक लड़की की नदी बह रही है और लड़की सुनीता खिड़की के किनारे उदास खड़ी है उसकी आंख में आंसू है और उसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई है और वो विंडो पे रो रही है तभी रानी आती है और रानी ने सुनीता से कहा Uh, तुम क्या कर रही हो अब उन जब ये प्रोग्राम हम बनाएंगे तो ऑडियंस सबसे पहले जो हमारा जो जो हमारे ऑडियंस हैं, वो सबसे पहले क्या सुनेंगे सबसे पहले सुनेंगे, सुनीता तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं कौन किससे पूछ रहा है तो कुछ पता ही नहीं चला तो हमें क्या करना पड़ता है हमें साउंड इफेक्ट्स के साथ हमको वो वैसी नरेशन लानी पड़ती है जो कि जिससे हमें पिक्चर क्लियर हो और इमेज बने जैसे सर ने बताया मिनिमम शब्दों में साउंड इफेक्ट्स के साथ और साउंड इफेक्ट्स के साथ हम कैसे करते हैं तो जैसे हम ये लिखेंगे नरेशन में कि शाम का समय है अपना म्यूजिक आ गया नदी बह रही है और सुनीता गुलाबी साड़ी में विंडो पे खड़ी है और सुनीता मतलब बोल दिया उसकी सिस्कियां आ रही है साथ में और वो सोच रही है कि वो खुद बोलती है सुनीता बोलती है सुनीता विंडो पे खड़ी है और सुनीता ने बोलना शुरू किया कि आज देखो हवा बह रही है और मैं आज भी वही गुलाबी साड़ी पहने मैं क्यों उदास हूँ आप दिया आपको नरेटर भी नहीं लाना सुनीता एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद एक आवाज आई तो उसने कहा अरे सुनीता तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो उसने अरे रानी तुम कब आई मैंने तो देखा ही नहीं क्या हुआ कोई आपको नेरेटर नहीं चाहिए आपने साउंड इफेक्ट से ला दिया तो पिक्चर भी इमेज भी बन गई तो आप रेडियो के लिए, लिए लिखते कैसे हैं ये देखना पड़ेगा कि जब आप जो कुछ भी साउंड आ रही है उससे क्या पिक्चर क्लियर हो रही है तो ना सिर्फ इतना कि हम सिर्फ कि हम हम स्पोकन वर्ड्स में लिखें ना सिर्फ मिनिमम यूज करें तो क्योंकि आपके पास एयर टाइम बहुत कम है उसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर करनी है पूरा इमेज बनानी है तो बहुत आप ना वेस्ट नहीं कर सकते अपना एयर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ एक चीज को भूमिका को बनाने में एक पिक्चर को क्रिएट करने में तो मिनिमम शब्दों में कम से कम नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज में साउंड इफेक्ट को यूज करते हुए आप कैसे कर सकते हैं ये uh, आपको uh, इस पे क्रिएटिव uh, आपको रहना पड़ता है, तो उसमें रहना है. ये भी थोड़ा सा हम <coughs> लेना चाहते हैं तो अगर ये वाली uh, ये आपका पीपीटी को खोल दें दिस uh, वन जी uh, इसमें बिल्कुल आगे जाए क्यूँकी हम, हम काफी बात कर चुके हैं <coughs> Next. Sir, जी सबसे मध्य सही समथिंग आर यू सेइंग समथिंग सर एक मिनट जी सर मैं बोल रही थी आ uh, मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूं हमने अटेंडेंस फॉर्म भी डाल दिया है चैट में आप उसको uh, प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सही बस प्लीज कंटिन्यू तो आ, आप इसे मैं देख पा रहे हैं क्योंकि इसको हम बहुत शॉर्ट लेंगे बहुत शॉर्ट इसको भी बताना जरूरी क्योंकि एक आ, पार्ट का हिस्सा तो है तो इसकी चर्चा करने है। हम लोग को करना जरूरी है <clears throat> जबकि आगे मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे और चीजों में करेंगे तो इस लेवल तक आने के थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आ, हर प्रोग्राम को बनाने का एक ग्रामर है हर प्रोग्राम को बनाने का एक ग्रामर है अच्छा मैं इस समय पूछूंगा आपने क्या बनाया आप खाली बोलना बस प्रोग्राम बनाया इतना ही बोलना तो आपने क्या बनाया जी मैंने प्रोग्राम बनाया था सर नहीं क्या बनाया क्या जी मैं सोचती हूँ जी सर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जी नहीं पर क्या प्रोग्राम बनाया क्या क्या सर मैंने एक रेडियो प्रोग्राम बनाया था सर अच्छा रेडियो प्रोग्राम तो क्या प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम में क्या मैंने बनाया था सर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था सर अरे बाप रे ओह प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम तो सारे होते हैं भाई है ना प्रोग्राम तो सारे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसलिए ये इलेस्ट्रेशन uh, आप लोग को दिया कि हर कुछ प्रोग्राम नहीं होता है उस प्रोग्राम का एक ग्रामर होता है देर इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर दिस आप इंटरनेशनली ये नहीं बोल सकते जस्ट आई प्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम द प्रोग्राम्स आर सो मेनी कैटेगरीज है ना और यहाँ पर uh, इसीलिए अब हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं इससे हमने बात किया था प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम बनाया अरे कौन सा प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम का कोई ना कोई फॉर्मेट तो होता है ना तो अगले वाले में जाते हैं अगले स्लाइड में देखेंगे so uh, I mean, हम 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 से समझ सकते हैं हम सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट या कहना सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड वाइड फेमस जो फॉर्मेट है उससे शुरू करते हैं वो है रेडियो डॉक्यूमेंट्री रेडियो डॉक्यूमेंट्री इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट आप इसको नोट में आप इसको नोट कर सकते हैं रेडियो डॉक्यूमेंट्री है ना तो अब तो अब तो अब मैं पूछूंगा क्या बनाया क्या बनाया

मेंटल मैथ्स पर है ना क्योंकि टीचर्स हैं और एट द सेम टाइम जो कुछ इसके बाद मतलब शेयरिंग का लेकिन इसको जरूर नोट कर लें सो डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री इट इज द मोस्ट आई मीन पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ रेडियो और रेडियो डॉक्यूमेंट्री एक वो चीज है यहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल मिल रहा है इट इज अ स्पोकन वर्ड विद द सपोर्टिव म्यूजिक म्यूजिक है ना डिवर्टेड टू नॉन फिक्शन नैरेटिव नॉन फिक्शन बोल रहे हैं नॉन फिक्शन का मतलब ये है नॉन फिक्शन का मतलब क्या हुआ

आई मीन सपोज करते हैं कि वंदना जी इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सपोज क्या है अब तो uh, अभी यह है कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ आप मुझको बुला रहे हैं आप मुझको बुला रहे हैं और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझको प्रोग्राम बनाना है डॉक्यूमेंट्री बनानी है। और बस आपको कहना है कि ऑर्डर है कि आज ही प्रोड्यूस करना है बस इतना है। है। तो मैं बैठा हूँ अपने रूम में है ना uh, अगर आप दे दे पूरा स्क्रीन दे दें तो मैं अपने रूम में बैठा हूँ इस समय हेलो हेलो मुझसे हो रू हेलो जी जरा आप दो मिनट के लिए आएंगे दो मिनट के लिए आता आता कुछ जल्दी बहुत कुछ जल्दी है कुछ बहुत अर्जेंट है तो प्लीज आ जाइए अच्छा मैं आता हूँ मैम जी आता हूँ तो मैं आ गया <laughs> जी हाँ मुझसे ऐसा है कि हमें बहुत अर्जेंट है ऑर्डर है, अर्ण है। बहुत अर्जेंटली हमें एक प्रोग्राम ऑडियो प्रोग्राम बनाना है तो हाँ? क्या आप बनाएंगे ऑडियो प्रोग्राम बनाना है कहां से ऑर्डर है मिनिस्ट्री से है? मंत्राले मंत्राले से आए मंत्रालय okay. आया है है था हाँ, obvious, हाँ. क्योंकि हाँ. आपने आपने बड़ा बड़ा जब बोला अर्जेंट तो फिर होगा हाँ, है ना तो, तो, तो अच्छा तो क्या क्या बनाना है प्रोग्राम तो हमें ना एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और जो आजादी के 200 साल का के लिए आधे घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो आज शाम तक बना दीजिए क्या बोला आज शाम तक डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए ऑडियो की आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री मैम आप <laughs> तो खुद ही सब कुछ आप भी कैसा ऑर्डर ला रही है किसी ने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर लेके मेरे पास आ गई बताया नहीं उधर कि क्या कह रहे हो आप नहीं नहीं समय सुनी मैम बात यह है कि आप भी जानती है ना मैम अगर आपने डॉक्यूमेंट्री बोला तो इतनी जल्दी खाली स्क्रिप्टिंग करके रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते वी कैन नॉट जस्ट डू लाइक दिस ना मैम तो होगा इसमें ये कि अब आपको मैं क्या हो? आप तो जानते हैं 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 आप, आप, <laughs> आप तो जानते इन बातों को लेकिन मैं ये मैं ये बोलना चाहता हूँ मैम कम से कम उनसे तीन दिन का समय तो मांगिए क्योंकि मुझको क्या करना पड़ेगा अच्छा डॉक्यूमेंट्री है क्या कोई और मैनेजमेंट नहीं हो सकता डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री है डॉक्यूमेंट्री है तो, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि हम तीन दिन में या एक हफ्ते में हम उसको तो मैनेज कर मैम कम से कम तीन दिन का समय चाहिए क्योंकि अच्छा डॉक्यूमेंट्री किस पर है? फ्रीडम फ्रीडम ऑफ अच्छा तो फिर मैम मुझको ये करना पड़ेगा कि अब मैं कम से कम पाँच छः काम तो करना ही पड़ेगा रेडियो uh, है ना आकाशवाणी जाऊंगा आकाशवाणी जाकर देखूंगा कि आजादी के समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे है ना तो उनके ऑडियो क्लिप्स है कि नहीं? नहीं कुछ होगा उनके आर्काइव में तो वो भी निकालना है अच्छा अगर एक ही होता महात्मा गांधी तो इजी था लेकिन अभी आपने बोल दिया कि वो पूरा हाँ तो उस टाइम में कितने रहे होंगे ना तो हर एक की साउंड बाइट मुझको चाहिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इज गुड या कई लाइब्रेरी हैं वहाँ भी जाना पड़ेगा और वहाँ पे अभी जाना पड़ेगा जो आर्काइव

गांधी जी पर ले गांधी जी पर, ले तो गांधी जी पर अगर लेते हैं तो मुझको कम से कम दो दिन फिर भी चाहिए आ, क्योंकि जाना पड़ेगा और जा करके गांधी जी की आवाज का जो साउंड बाइट है वो लाना पड़ेगा फिर ये देखना पड़ेगा की कौन से काल की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम का म्यूजिक क्या था इस टाइप का अगर म्यूजिक वहां नहीं मिला तो पॉसिबली यहाँ पर कंपोजर को बुला के कंपोज कराना पड़ेगा ये सारी बातें तो विदाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन मैम ये तो प्रोड्यूस नहीं होगा तो कम से कम अगर आप दो दिन का टाइम दें इज इट पॉसिबल रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है अगर आप मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं तो देन तो इतना काम तो करना पड़ेगा फिर जाके रिकॉर्ड होगा सो थैंक यू वेरी मच सो इट इज वन ऑफ द आई मीन प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स दैट व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट्री आई होप यू हैव अंडरस्टूड अगला देखते हैं जल्दी से अगले वाले में जाएंगे समय और डॉक्यूमेंट्री के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद आगे चलेंगे यही है नेक्स्ट 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 राइट फीचर फीचर बाद में ले लेते हैं mm. हम यहाँ पर आ जाते हैं अभी राइट right. तो अगला है और अगला फॉर्मेट है रेडियो मैगजीन रेडियो मैगजीन आपका हार्डली uh, इसमें खाली पांच मिनट हम लेंगे उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग तो रेडियो मैगजीन इट इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो मैगजीन आ, ये एग्जाम्पल अक्सर मैं देता हूँ और ये एग्जाम्पल इस तरह भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है कि मैगजीन जब हम कहते हैं ऐसे ये तो टेक्स्ट बुक है आ, मैगजीन मान लेते हैं मैगज़ीन मान लेते हैं स्क्रीन पूरा दे हाँ। राइट रेडियो मैगजीन है ना तो जो पहला फॉर्मेट था क्या था डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री उसमें क्या हमने सीखा था कि एवरी थिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ हो सकता है कि आपके पास कोई किताब हो कोई साउंड बाइट हो कोई टेबलेट हो कोई शिला लेख हो है ना शिलालेख शिला भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो कोई भी चीज जो ऑथेंटिक है उसको आप यूज कर सकते हैं तो ओके ओके okay, okay. अच्छा लिखा है अच्छा लिखा है तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट इज वेरी पॉपुलर फॉर्मेट हल्का हल्का थोड़ा बोलते हैं आसान रहेगा नेक्स्ट फॉर्मेट इज रेडियो मैगजीन है ना मैगजीन यहाँ पर कई मैसेज आ रहे हैं थैंक यू वेरी मच तो इस समय रेडियो मैगजीन की ओर हम चलते हैं वट इज अ रेडियो मैगजीन वेन यू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्री हमने देखा तो वेन वी टॉक अबाउट द मैगजीन एज्यूम दैट ये तो दिखाई पड़ रहा होगा रिमज्यूम है की ये बुक है। लेकिन मान लीजिए इट इज मैगजीन ओके इट इज मैगजीन ये स्कूल मैगजीन है अब स्कूल मैगजीन जो है इसको मैं जैसे खोलना शुरू करता हूँ जैसे खोलता हूँ स्कूल बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग इज सो नाइस यू नो उसका कवर ही कितना सुंदर है हाँ उसका कवर ही कितना सुंदर है ओके वेरी गुड मुझको अच्छा लगा और उसका टाइटल बोल्डली दिख रहा है हाँ, बोल्डली दिख रहा है पर अगले पेज में आए तो यहाँ पर संपाद किया प्रिंसिपल साहब ने लिखा है ठीक अच्छा, है ओके छोटा सा है, okay. है। छोटा सा है लेकिन बहुत भारी भारी, 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 भारी बात भारी है। भारी बातें है ना कुछ कुछ ठीक है बाद में समझेंगे बाद में समझेंगे थोड़ा आगे देखता हूँ क्या है तो ये संपादकीय हो गया मैं आगे उलट रहा हूँ आगे जब मैंने पलटा तो वाओ बड़ा अच्छा यहाँ पर तो नहीं। कहानी कहानी ये कहानी है जो कि वो आपका मोरवती ने लिखा था ये <laughs> ये वाली कहानी जो उसके साथ जब बातचीत हो रही थी तो उसने कहा था ना कहानी लिखूंगी देखो ये कहानी यहाँ पर वंडरफुल वंडरफुल स्टोरी है ना तो कहानी मैं लाइक करता हूँ अच्छा इट इज द स्टोरी आगे चलता हूँ वाओ

डॉक्यूमेंट्री में हम एक ही पर करते हैं. में वी, वी लेकिन अगर मैगजीन में आते हैं तो क्या होता है कि वेराइटी हमको मिलती।, मिलती है एक हल्का सा डेमो हल्का सा डेमो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस समय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते हैं और ये इस समय सुबह के बज रहे हैं आठ हमारे स्टूडियो की घड़ी में mm. इस समय स्टूडियो की घड़ी में आठ बज रहे हैं और यू ऑल मस्ट बी ड्राइविंग नाउ और गोइंग टू योर ऑफिस इस समय आप ऑफिस की ओर जा रहे होंगे तो हमने भी हमें भी आपकी पसंद का पता है कि आपके लिए पसंदीदा क्या है तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना आज की आ, आपकी सुबह हम बहुत सुहानी बना दें इस अच्छे म्यूजिकल रिसाइटल के साथ तो ये जो म्यूजिकल रिसाइटल है लुटविग बॉन विथोवन उनकी एक बहुत अच्छी म्यूजिक पीस एक यानी पियानो का पीस आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं और इस समय जब आप इसको सुनेंगे फ्रेंड्स आप रियली इसको एंजॉय करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट मैगजीन है ना मैगजीन प्रोग्राम तो देखिएगा तो आप इसको एंजॉय करेंगे और उन्होंने जो मैगजीन का टाइटल हो चुका है और उन्होंने पहला अपना आइटम दिया है जो की म्यूजिक है तो ये म्यूजिक आपके सामने हम प्ले करने जा रहे हैं इस समय प्ले करते हैं तो अब ये म्यूजिक प्ले हो रही है लेकिन इससे पहले कहना चाहते हैं होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ क्योंकि

हम हमारे साथ लगातार बने रहेगा और जब तक आप ऑफिस पहुंचेंगे हम आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं वी वॉन्ट टू गिव यू द गारंटी कि दैट वी आर गोइंग टू मेक योर डे हम आपका दिन बना देंगे तो इसके बाद ये रिसाइटल जब हो गया तो अब हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने इट इज द लास्ट एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स तो अब हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं देर इज समथिंग अ वरफुल इंटरव्यू और इंटरव्यू में आ, मैं क्यों बताऊं कि इंटरव्यू में कौन है इसको तो आप अक्सर सुनते हैं आवाज सुनिए पहचानिए और की पैड आपके पास है मोबाइल आपके पास है आप बैठे बैठे मैसेज भी कर सकते हैं कि ये कौन है वो शख्स जिसकी आवाज हम आपको सुना रहे हैं है ना तो इसके पास फिर तो राइट और जैसे कि बताया सर ने क्या किया इंडेक्स दिया आपको कि क्या क्या हमारे पास चीजें हैं आइटम्स हैं और आपकी क्यूरोसिटी बढ़ाई कि आप उसको बने रहे इस प्रोग्राम में ये ना हो कि अरे ये तो बोरिंग शायद हो जाएगा मेरे लिए तो क्यूरसिटी बनी रही जिससे कि आप उस चैनल पे बने रहे हमारे प्रोग्राम में बने रहे उस मैगजीन प्रोग्राम में और साथ में म्यूजिक भी सुनाया और आगे के लिए आपको इन्वाइट भी कर लिया तो ये आपकी मैगजीन चल रही है और मैगजीन के सारे जो जो कंपोनेट है वो उसमें मेंटेन भी हो रहे हैं और आपके नॉर्मल भाषा में बात हो रही है तो कोई भारी भरकम शब्द नहीं है

अब हमें कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए होप दैट यू ऑल मस्ट हैव रीच टू योर जो घर में इस समय है इस समय आपको भी खुश कहते हैं आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने कार्यक्रम सुना लेकिन हमारी ये दोस्ती मात्र आज तक ना रहे दोस्ती बनाए रखिए दोस्ती बनाए रखिए लगातार आपके मैसेज का इंतजार रहेगा तो कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए तो अजीत होरो को और वंदना को आज्ञा दीजिए नमस्कार है ना तो ये हुआ मैगजीन से नमस्कार मैगजीट मैगजीन से नमस्कार हुआ, है। से नमस्कार हुआ। <laughs> प्रोग्राम से नहीं हुआ है आगे <laughs> आगे चलेंगे आगे चलेंगे बड़ा अच्छा है और अब सिर्फ जस्ट ये चर्चा कर लेते हैं एक फॉर्मेट होता है जो टॉक फॉर्मेट होता है हुँ. है ना टॉक फॉर्मेट जिसने की आप एक टॉक देते हैं यानी किसी भी टॉपिक पर ये हो सकता है फीचर भी एक फॉर्मेट है फीचर भी एक फॉर्मेट है और अगर देखेंगे तो एक पर हमको बात करनी चाहिए और वो है डॉकी ड्रामा

चीजें तो फैक्ट्स पर होती हैं लेकिन उसमें हम किसी इंसिडेंट को ड्रामाटाइज कर लेते हैं सर जैसे कि मान लीजिए कोई घटनाक्रम हुआ है कि कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका कोई रिजल्ट आया तो वो हमारे पास वो फैक्ट है कि इस डेट को मीटिंग हुई थी इस डेट को, uh, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका ये रिजल्ट आया उसको उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट थे या क्या थे उन लोगों को हम एक क्रिएट कर सकते हैं एक ड्रामा बना सकते हैं जिसमें वो जो डायलॉग वो बोल रहे हैं वो वो हमारे अभी आज के रिटर्न हो सकते हैं उनकी भाषा वगैरह को ध्यान में रखते हुए लेकिन वो ड्रामा ड्रामा तो आपका ड्रामा बनाया हुआ है लेकिन बेस्ड ऑन फैक्ट है तो ये डॉक्यू ड्रामा बन जाता है तो जैसे अभी हमने बताया जैसे वाला बाप का सर ने बताया था उसकी डॉक्यूमेंट्री वो नहीं थी वो आ रहा था इफेक्ट आ रहा था जनरल डायल ने कुछ बोला आई से फायर वो कर, वो वो एक घटना तो क्रम था लेकिन वो वो चीज क्या बोला वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन हमने उसके ऊपर अगर हमने ड्रामा क्रिएट किया तो वो डॉक्यू ड्रामा हो गया डॉक्यू ड्रामा की जरूरत पड़ती है तब टू अवॉइड द मोनोटोनी है ना कि अगर मान लिया अब दो लोग ही बोल रहे हैं तो भाई कोई कितनी देर तक सुनेगा सुने तो एक वेराइटी को लाने के लिए कई बार ये होता है तो होता कि शुरू में एक नरेटर आता है अकेले बोलता है जिसको हम सूत्रधार बोल सकते हैं एंकर बोल सकते हैं प्रेजेंटर बोल सकते हैं नरेटर बोल सकते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो आएगा थोड़ा सा बोलेगा फिर बोलेगा और एक दिन ऐसा हुआ बस उसके बाद आपका ड्रामा शुरू हो गया हाँ सीन में चले गए तो इस तरह से हम आगे चल सकते जो हैं तो, रियल घटना हुई है अभी एक एक प्रश्न यहाँ पर था कि टॉक और लेक्चर में क्या फर्क है तो ऑलमोस्ट बहुत फर्क तो नहीं है लेकिन लेक्चर में यह है कि आपकी जो तैयारी है ज्यादा वो आप एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं कि आप पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू लेकिन टॉक में अगर आप जाते हैं तो यह है कि आप ज्यादा बातचीत का एक मोड रखते हैं ऑलमोस्ट एक ही बात है ऑलमोस्ट एक ही बात है लेकिन ज्यादा इनफॉर्मल रहता है टॉक आप बात वही करते हैं लेकिन लोगों को समझने का मौके के लिए ज्यादा देते हैं बजाय कि अच्छा हम अच्छा ओके ओके टॉक एंड फीचर यहाँ पर आ गया नो अच्छा, तो, सर आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक एंड फीचर एक क्वेश्चन ये होता तो, है की आप किसी एक पर्टिकुलर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है ना आप कंटेंट तैयार करते हैं और टॉक कई बार दो प्रकार से हो तो, सकता है लाइव भी हो सकता है रिकॉर्डेड भी हो सकता है हम क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को लाइव तो, दें तो, या हम रिकॉर्डेड दें हाँ, अगर हम लाइव दे रहे हैं तो जैसे हमको रखना ऐसे है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं और उसमें हमारा जो स्टाइल है वो एक ऐसे जैसा नहीं होता है आज हम बात करेंगे इसकी तो साथियों इस तरह से नहीं आपका आपके अंदर लाइवलीनेस होना चाहिए ऐसा मानते हुए की हमारे वॉइस के साथ हर एक ऑडियंस अलग अलग सुन रहा है कि हम एक से बात कर रहे हैं ना कि हम पूरा समाज से हाँ तो आज हम सुनेंगे कि ईमानदार बनने के लिए क्या करें आ, अब, ऐसे अब तो इसको <laughs> इसको कोई लाइक नहीं करेगा ना <laughs> तो लेक्चर कोई लाइक नहीं करता करताइजेशन इज नॉट गुड है ना तो अभी आपने पूछा टॉक एंड फीचर टॉक में तो एक बोल रहा है कंटिन्यूसली बोल रहा है और वो बस वो टॉक है यानी कि अपने आप में एक स्पोकन का एक कलेक्शन एक अपना बोल रहा है एक लेकिन फीचर जब हम बोलते हैं तो उसमें नेरेटर आता है टॉक में बोल सकता है टॉक में एक बात और शायद मतलब मैं अगर जोड़ दू तो थोड़ा सा जोड़ देते तो, ke, हैं जस्ट पुटिंग द द चेरी ऑन केक रखते हैं थोड़ा सा तो वो ये है कि रिकॉर्ड कर सकते हैं जरूर बहुत अच्छा होगा लाइव में डर होता है लाइव में डर क्या होता है पता नहीं क्या बोल दे। नहीं। है ना, बोल दे दे है ना यू डू नॉट नो दैट पर्सन है ना आपको पता नहीं अच्छा बोल दे तो वही मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे वो तब नहीं कर सकते हैं तो होता ये कि पहले बात करते हैं सर देखिए यू आर एक्सपर्ट इन एनवायरमेंट यू आर एक्सपर्ट ऑन द वुमेन इशू है ना सो

फॉर्मेट में ये कि वो बोल बोलचाल रहना चाहिए हाँ, जो भी है और जा अच्छा, तो अब हम आते हैं फीचर में क्योंकि बहुत ही भारी फर्क ही है।, है फीचर में ये होता है की आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स यू फोकस ऑन वन थिंग जैसे मान लिया हम किसी को बोलते है कि कोई मेरे सामने तो उनका फीचर क्या है ना फीचर क्या है तो अच्छा फीचर

Absolutely. आप उसको कैसे पहचानोगे जब जाओगे तीन चार लोग बात कर जिसकी आवाज सबसे खनकती हुई होगी ना वो है है ना ऐसे वाला तो फीचर मतलब आउट ऑफ सो वी फोकस ऑन वन थिंग तो ये एग्जांपल मैं बार बार देता कि एक किताब हमारे है आ, बहुरूप गांधी, है ना? तो गांधी जी बेसिकली आ, okay, वो तो आराम से हो जाएगा लेकिन इसको Uh, इस, इसको रिमाइंड करा दीजिएगा तो जैसे गांधी जी वाज अ मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी मतलब उनके बारे में बोलते हैं कि जब दाहिने हाथ से लिखते हुए थक जाते थे तो बाएं हाथ से लिखते थे ही वाज आल्सो अ सेंट ही इज आल्सो रिगार्डड एज अ जनरल आल्सो रिगार्डड एज एज एन ऑक्सिनियर उनकी बहुत सारी पर्सनालिटी तो ये बहुत सारी पर्सनालिटी के शेड्स हैं तो बहुत सारी बातों में अगर किसी एक चीज को अगर मैं फोकस करता इज़ फीचर ये फीचर है कि आज हम एक फीचर की बात करेंगे person, so nature, that. So that तो उस फीचर को टॉक बना सकते बोलेगा तो टॉक तो 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 भी हो जाएगा और फ्यूचर फीचर भी, भी, भी हो जाएगा जैसे की सर ने एक बहुत अच्छा फीचर बनाया था महानदी का तो उसमें क्या था कि वो कहाँ से शुरू हुई उसका बस अकेली उसका पाथ वो एक फीचर था तो वो चली तो कहाँ कहाँ जगह पे गई वहां का फ्लोरा फ्लोराफोना कैसा था वहां का म्यूजिक कैसा था वो उसी के बारे में बात करती चली गई उसका पाथ बस एक पाथ लिया था तो ये एक फीचर हुआ तो ऐसे आप क्या फीचर लेना चाहते हैं गांधी जी का लिया गांधी जी का बहुरूप कभी वो अः लुहार है कभी वो भिखारी हैं इस तरह का उन्होंने ली किस तरह से मांगा उन्होंने कभी वो दान वाले हैं तो इस तरह से एक फीचर लेके आपने बनाया तो ये उसमें 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 फीचर जब बनाते हैं म्यूजिक आता है मतलब आगे चलते वंदना जी को स्पेशली इनवाइट करूंगा टू टॉक अबाउट इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बनाए एट द सेम टाइम अगर आप भी, सर, just, भी आ जाए थोड़ा सा जस्ट एक जो ऑडियो टीम है we all are working together, तो अच्छा रहेगा सबको हम लोग दिखे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी जैसे बीच में ऑपरेशन तो uh, uh, so आप भी दिख जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा आप ए, एक बार दिखा दो और फिर दिख जाओ जी रहेगा अच्छा आइए ऐसे आइए

एक कार्यक्रम अभी तक मैं याद करता हूँ मौत का पहाड़ वंडरफुल प्रोग्राम और और कई कार्यक्रम इन्होंने बनाए तो हाँ माझी के ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम तो आपने कार्यक्रम बनाते समय किन बातों पर ध्यान दिया थी? जैसे टारगेट uh, ऑडियंस क्या है, है हमारे प्रोग्राम्स के लिए अगर right. मौत के पहाड़ की बात करें हम तो उसमें एक जो मेन uh, चीज थी कि आफ्टर सेवेंटी इयर्स वो अपने पेरेंट्स को एक मौत का पहाड़ है वहाँ पे छोड़ के छोड़ के आ जाते थे ये टेक्स्ट बुक से है, टेक्स्ट बुक, बुक से से है फॉलोड जी जी सर तो वहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होना चाहिए और वहाँ जैसे वो छोड़ने जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर तो इफेक्ट्स जो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा कि सरकंडे गिर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स वहाँ पे लगाए जाए ऊपर जैसे पहाड़ पर छोड़ने गए तो ये सारी चीजें ध्यान रखें इनफेक्ट वहाँ का जो म्यूजिक है उस पर स्पेशली ज्यादा ध्यान रखा गया और उसमें काफी अच्छी स्टोरी थी ड्रामा द्राम ड्रामा मे हाँ, था उसका और जो कहानी जो, थी हाँ, रीजनल म्यूजिक क्रिएट और ड्रामा करने से पहले उसका जो रिहर्सल था उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया कि जो मेन चीज है वो निकल के आ पाए वहाँ हैं जो वो निकल के आ पाए तो काफी अच्छा प्रोग्राम बना मौत का पहाड़ तो काफी अच्छा था अवार्ड विनिंग प्रोग्राम है सो थैंक यू वेरी मच और इस समय अब वंदना जी के पास समय होगा आप निष्णात हैं इन बातों में भाषा पर एक कार्यक्रम अक्षर की कहानी एक बहुत अच्छा सीरीज था एंड एट द सेम टाइम मेंटल मैथ्स पर और विज्ञान पर भी कार्यक्रम बनाए तो थोड़ी देर इस पर परिचर्चा करेंगे वंदना जी के साथ हाँ जैसे कि सर ने बताया कि जब भी हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो हमारा ये होता है कि हमारे दो चीजों से स्टार्ट होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं हमारा हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है और सब्जेक्ट क्या है तो हमारे जैसे जैसे बात कर रहे थे कि हमारी राइटिंग की कि हम राइटिंग कहाँ स्टार्ट होती है तो राइटिंग लिखने से स्टार्ट होती ही नहीं है राइटिंग काफी पहले से स्टार्ट हो जाती है जब आप सोच रहे होते तो उसी तरह से तो अगर हमारा हमने देखा कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है क्योंकि जैसे अगर हमारा सेकेंडरी लेवल का टारगेट ऑडियंस है तो सर ने जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाया बहुत अच्छा उसके लिए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ज्यादा वेस्ट करने के लिए उनके पास उनको तो टू द पॉइंट चीजें दे दो और वो उसको समझ भी लेंगे और उनका अटेंशन स्पेन बहुत ज्यादा है वो डिफिकल्ट चीज लेते हैं और डिफिकल्ट चीज को एंजॉय भी करते हैं समझने में तो वो उनके लिए अगर अपर प्राइमरी लेवल पे जैसे जाते हैं जैसे कि अभी विमलेश जी ने प्रोग्राम बनाया मॉरल स्टोरी है और वो क्रिएट किया है और फोक स्टोरी है जो कि वहां का फील्ड तो वो जो इस एज के ग्रुप के बच्चे हैं उनको बहुत सूट करता है वो छोटा सा प्रोग्राम पंद्रह बीस मिनट का उन्होंने बनाया तो वो उसको सारे ऑडियंस को कैच करके रखता है क्योंकि वो उनका मेंटल लेवल भी मिल रहा है उनको पसंद है इमेजिनेशन में जाना लेकिन जो जहाँ सर ने मुझे कहा कि आप आए तो मुझे जो मिला था वो प्राइमरी प्राइमरी लेवल में होता है जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो उसका अटेंशन स्पेन होता है बहुत कम और वो कैबलरी उसकी जो स्टोर है वो बहुत छोटा होता है अभी वो लर्न ही कर रहे होते हैं तो उसमें लर्निंग में क्या है कि जो अपने घर में छोटी सी भाषा भी वो सीख के आए हैं या अभी जो टीचर उनको सुना रहा है या वो अपने आसपास के वातावरण में सुन रहे हैं वो बहुत छोटे से तो उनकी दुनिया है अभी और उनका एज अभी पाँच छह साल है बहुत छोटा है उनका वो को गेन करने के लिए उनके लिए अगर प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि अगर आप सबसे पहले लैंग्वेज पे जा रहे हैं तो हमें हमें क्या देखना पड़ता है कि उनकी पसंद क्या है हम आ, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए बच्चे तो गए क्योंकि बच्चों को तो सीखना ही नहीं है ना हमें उनको हमें क्यों सिखाना है उनको मतलब हमें ये बताना ही नहीं कि हम सिखाना है क्यों पीछे पड़े क्यों पीछे पड़े? <laughs> पड़े उनको खेलने का टाइम है उनका तो उनको खेलने दो अगर वो कुछ सुन के उनको मजा आ रहा है तो उसको बस मजा लेने दो दैट इज ऑल तो ये हमारा देखना है कि वो उससे क्या सीख गए वो बच्चों को जानने की जरूरत नहीं है कि वो सीख गए कि नहीं सीख गए तो ये हुआ कि जब हम अक्षर की कहानी करते हैं तो ये बात हुआ कि बच्चों को बच्चे बोलते ही इतना चाहते हैं उनसे पूछो क से कमल अरे वो कमला हट ना लेकिन कमला नहीं बोलेंगे क्यों उनको पता ही नहीं क्योंकि क्या सिखा दिया क से कमल अब वो कमल ही बोलेंगे उनको ये पता ही नहीं कि मैं तो इतनी बातें क से बोल रहा हूँ क्योंकि उनको कोई कनेक्शन नहीं है उनको ये बताया गया का से पूछे तो कमल बोल दो ना क से कबूतर क से कमल बस कहा से कबूतर बोल दो बहुत हुआ तो ककड़ी <laughs> तो वो दो चार शब्दों को कर दिया और उसमें भी क्योंकि अभी वो लिखना नहीं जानते तो उस उसपे ड्रॉइंग बनाओ तो ड्रॉइंग क्या होता है ड्रॉइंग बनाते हैं जब बच्चे तो वो जो भी हमारे नाउन है उन्हीं की बना सकते हैं ना कमल बना देंगे कबूतर बना देंगे जैसा भी क्योंकि क से चित्र बनाओ अब एक एग्जाम्पल है एक बच्चे से बोला कि तुम है ना न से चित्र बनाओ क्योंकि ना से बना अब ना से सोचा सब बच्चे ने नल सब ने नल बना दिया क्योंकि नल सीखा था एक बच्चे ने हाथ बना दिया अब उसे कहा ये टीचर ने की किया तुमने ना से ना ये, ये, की क्या, ये तो हाथ बना दिया उसने कहा नहीं मैंने ना से नहीं बनाया वो नहीं कर रहा है <laughs> उस बच्चे को टीचर ने ध्यान दिया उसको ठीक था क्योंकि उस समय अगर वो बच्चे ड्रॉइंग देख के ही कह देता कि तुमने गलत किया तो बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट परमानेंटली खराब हो जाता है कि न से नहीं तो होता ही नहीं है न से तो बस नली होता है तो मैं ही गलत हूँ तो हमें वही जैसे हम कहते थे कि हमें बच्चे को नहीं अपने पास लाना हमें बच्चे के पास जाना है तो जब ये बनाया अक्षर की कहानी का चैलेंज आया था तो ये हुआ कि एक अक्षर पर एक प्रोग्राम बनेगा अब जैसे न ही है या जैसे क है क से क्या कहानी बनाई जिसमें बच्चे से कह, आओ हम कहानी सुनेंगे कुछ नहीं कह रहे कि हम क्या से आज हम तुमसे हम काका की कहानी सुनेंगे अच्छा काका हाँ काका की कहानी सुने काका तो सुना है हमारे काका जी अच्छा तो का से तो एक थी कमला और एक था उसका कुत्ता तो आप तो कह रहे थे काका की कहानी सुनाएंगे अरे काका की नहीं क की कहानी सुनाएंगे तो एक थी कमला कमला का था कुत्ता कुत्ता था काला वो उसको कहती थी कालू अब बताओ का से क्या कहती थी बच्चों को समझ में आया कि क बोल रहे हैं तो बार बार का आ रहा है तो वो तो एक चोर आया वो था कुंदन वो कुत्ते को चुराने लगा तो कुत्ते ने उसको काट लिया तो उसने सोचा मैं उसका कपड़ा बांध तो उसने मुंह पे कपड़ा बांधा तो वो शोर मच गया वो खुद ही कुत्ता कुत्ते ने काट लिया तो चीखने लगा कुत्ता पकड़ के ले गया अब वो बच्चों को ये कहानी सुनी ये कहानी से फिर वो गाना आया सेम गाना तो जब तक वो प्रोग्राम खत्म होता है ना बच्चे को, को कोई ट्रेंड बच्चे नहीं है कोई भी बच्चे लिए उसको कहानी सुनाने लगा माइक्रोफोन पे नहीं सिखाया लेकिन सीख लिया और बच्चे तो बोलने लग गए वो कहाँ से ये भी होता है क्योंकि उन्हें समझ में आया ना फिर वो नाउन पे नहीं रहे कि मुझे कबूतर ही बोलना है फिर वो कहीं भी वो कहाँ से कहीं कहाँ से क्या क्योंकि उनको समझ में आया ना कहा तो फोनेटिक्स समझ में आया तो आप बच्चों को समझ में आ गया लेकिन बच्चों को ये नहीं लगा मैंने सीखा तो ये सीरीज हमने इस तरह क्योंकि बच्चे का छोटा से बच्चा है उसको तो खेलना ही है बस खेलना है गाना सुनना है उधम मचाना है तो शैतानी करनी कुत्ता वो ये वो तो उसने सीखा और वो सीख के चला गया और ये सीरीज अच्छी ये पूरे हर अल्फाबेट पे हर लेटर पे हिंदी के एक अक्षर पे एक कहानी बनी हुई है पूरे पैंतीस के सब शब्दों पे तो एक अक्षर पे इसी तरह से एक कहानी है तो ये हमें इनोवेशन कि हम कैसे बनाएं बिना सिखाए सिमिलरली ये माना जाता है एक और चैलेंज सर ने कहा मैथमेटिक्स का तो हाँ, ये मेंटल मैथ तो प्राइमरी के ही बच्चों होता है कि अगर मैथ्स पे प्रोग्राम बनाओ बन ही नहीं सकता जी एक तो ऑडियो नहीं बन सकता मैथ्स पे पहला एक ये लग जाता स्टैंप कि मैथ्स नहीं बन सकता जी ऑडियो में और बच्चों के लिए वो तो सिंपली साउंड इफेक्ट की चर्चा करेंगे हम इसके बाद के सेशन हाँ, बस छोटा सा पांच मिनट का बोलते तो उसमें क्या है कि बच्चे के ये होता है कि मैथ कैसे खाया तो एक और एक दो तो एक हाथ में पांच उंगली तो एक नाक तो दो कान एक सूरज तो ये बस ये हो गया मैथ्स ये इससे ज्यादा सोचना नहीं मतलब नहीं सोचा जाता कि मैथ्स ऑडियो में लेकिन जब आपके पास चैलेंज है और आपके पास टारगेट ऑडियंस भी दिया गया तो आप उस लड़ते हैं उस चैलेंज के साथ और क्रिएटिव होना पड़ता है तो उसी तरह से क्रिएटिव हमने होने का सोचा कि कैसे मैथ्स बच्चों में प्राइमरी में लाएं और वो भी बिना सिखाए बड़ा मुश्किल चैलेंज था तो ये हुआ कि बच्चों को छोटे बच्चों को क्या पसंद है बच्चों को तो हैप्पी बर्थडे इज द मोस्ट बर्थडेन्ट डे इन देयर लाइफ वो हैप्पी बर्थडे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता बर्थडे नहीं होता वो हैप्पी बर्थडे होता है yes. तो वो mm. बोलेंगे मेरा हैप्पी बर्थडे है वो बर्थडे नहीं होता वो तो उसको तो क्या हुआ सीन ये लिया गया अच्छा क्या है बच्चों के साथ ये होता है की बच्चों को सिखा दिया क्लास वन में टू में वन प्लस वन टू होता है अच्छा तो एक मीटर और एक मीटर तो दो मीटर होता है तो एक किलोमीटर और एक किलोमीटर तो जी दो किलोमीटर तो एक किलो और एक किलो जी दो किलो अब उनको ये नहीं पता कि किलो है कि एक ग्राम और एक ग्राम जमा करेंगे तो दो ग्राम लिख दिया कि जो है बस वो लिख दिया और एक और एक वो एक और एक दो ही करे जा रहे हैं मतलब बेसिकली उन्हें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं बस एक और एक दो कर रहे हैं तो ये बताने के लिए मेंटली कि आप जो ग्राम और किलोग्राम में क्या डिफरेंस है आप सोचें तो अगर हम कहें एक ग्राम और एक ग्राम कितना हुआ तो उनके दिमाग में है वो एक ग्राम कितना होता है और एक किलो और एक किलो करें तो कितना होता है वो ये एक मेंटली उनके मन में कॉन्सेप्ट बने क्योंकि तो जब वो प्लस करते हैं तो गलती से वो ग्राम को किलोग्राम लिख दे तो उन्हें पता हो कि मैं गलत लिख रहा हूँ वो कुछ समझ में आए तो ये मेंटल मैथ्स पे हुआ लेकिन कैसे करें बच्चे तो छोटे बहुत हैं और उनको सिखाना भी नहीं है मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं सिखाना क्योंकि उससे थोड़ा सा इनिशियली थोड़ी दूरी लगती है इसलिए तो, बहुत बच्चे ना भाग जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनको सिखाया जाता है सीखो तुमको भी सीखना पड़ेगा आ, कैसे नहीं सीखो के? के? आ, कैसे नहीं सीखोगे <laughs> तो भाग जाते हैं <laughs> तो क्या है कि वहीं से उनको बिल्ड करने के लिए उनके टेम्परामेंट उनका मैथमेटिकल टेम्परामेंट भी बने तो उसमें क्या कर कि ये किया बर्थडे तो सबसे अच्छी चीज है तो बर्थडे मनाया बनाया तो बर्थडे कैसे मनाया आ, चलो आज बर्थडे बर्थडे हैप्पी टू यू सब बच्चे कर रहे हैं अरे तुम क्या अरे वाह इतनी सारी मिठाई तो इतनी सारी मिठाई क्यों है तो वो कहती है लड़की की भाई ऐसा है मैं जितने किलो की होती हूँ मेरी मम्मी उतने किलो की मिठाई बनाती है उससे दुगने किलो की तो मैं मैं दस किलो की हूँ तो मुझे बीस किलो अच्छा तो इसका मतलब दस दस बीस तो बीस किलो मिठाई है ओ अच्छा ये इतनी सारी मिठाई बीस किलो है और हाँ अगर अच्छा अगर तुम दस किलो और पाँच सौ ग्राम की होती तो तो उसने कहा नहीं किलो तक ही रखते हैं <laughs> क्योंकि हम बच्चों को डिफिकल्ट हमें नहीं सिखाना तो हमने ये लॉजिक डाल दिया कि नहीं किलो तक ही रखते हैं यही तक ठीक हाँ ग्राम तक नहीं जाते <laughs> तो उसने कहा अच्छा तो तो कहते इतनी मिठाई का क्या करते हो हम सबको बांटते हैं अच्छा और अगर चीटी की मम्मी फिर कितनी बनाएगी अरे मैंने तो हमारी मैम ने बताया था चीटी तो एक ग्राम की होती है और ये अच्छा चीटी इतनी एक ग्राम की होती है तो दो ग्राम मिठाई कौन बनाएगा उसने कहा अच्छा और हाथी हाथी की मम्मी कितनी बनाएगी अरे हाथी तो 500 किलो का होता है हाथी का बच्चा और एक हजार किलो की मिठाई कौन बनाई अब क्या हुआ समझ में आ गया अच्छा तो ये तो बताओ डायनासोर की मम्मी कितनी मिठाई बनाएगी हुँ. तो उसने कहा कि डाइना... अच्छा इस बात को ये छोड़ते हैं, चलो मिठाई खाते हैं यहाँ प्रोग्राम खत्म होगा बच्चे आ, को हाँ नहीं क्योंकि ना तो उसके वहां तक मैथमेटिक्स उसका नॉलेज है ना उसको जाना है सिर्फ इमेजिनेशन में कि वो तो उतना बड़ा होगा ये बीस किलो मिठाई तो इतनी हो गई तो हाथी की कितनी होगी तो उनको ग्राम चीटी और किलोग्राम का डिफरेंस कुछ समझ में आ गया ग्राम और किलोग्राम का बस इतना ही जानना था हाँ, इससे इस... ज्यादा हमें कुछ बताना भी नहीं था और हाँ, उनको इरिटेट इरिटेट प्रोग्राम के लगा ही उनको नहीं, नहीं कहानी सुन ली तो बस वो खत्म हो गया तो हमारा जो प्रोड्यूसर्स है जैसे आप राइटिंग करेंगे तो आपका उद्देश्य ये हमें बस सिखाना क्या है वो सीख गए ये हम जान लें

आज का ये इस समय हम समाप करते हैं, हमें समाप्त करने की आज्ञा दीजिए अभी थोड़ी देर के ब्रेक के बाद मिलते हैं इस ब्रेक के समय हमें थोड़ा सा इंजॉय कीजिए और uh, ऐसा सोचिए कि एक डॉक्यूमेंट्री कैसे बनेगी एक मैगजीन okay. कैसे बनेगी और एक फीचर क्या होता है इन सारी okay. बातों को और याद रखिएगा बंदर का लालच है ना जब अंदर डालता है तो बोलता है खोलूंगा नहीं है ना इसी लालच में वो मारा जाता है तो लालच में ना जाए हाई साउंडिंग वर्ड्स की ओर ना जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद इस समय तो हमारी ओर से तो अजीत की ओर से नमस्ते और विमलेश की ओर से और वंदना जी की ओर से और इस समय शानू की ओर से कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार थैंक यू वेरी मच नमस्कार सर थैंक यू सो मच बहुत आभार आप लोगों का इतना इंटरेक्टिव सेशन इतना जॉली लाइवली सेशन आई विल से वेलकम वंदना मैम विमलेश शानू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर इंटरेक्शन इन द सेशन इट वाज रियली रियली अ वंडरफुल सेशन आई कुड सी थ्रू द चैट आल्सो एंड आई कुड सिंपली the audio ऑडियो विदाउट इवन on ऑन screen स्क्रीन आई enjoying एड <laughs> 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 तो अभी हम लोग चाय के लिए ब्रेक करते हैं सर भी बहुत देर से बोल रहे हैं तो 10 मिनट रिलैक्स कर ले इलेवन थर्टी वी विल नेक्स्ट में हम लोग ओडेसिटी का सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर पूरा डेमो वगैरह देखेंगे और काम भी करेंगे तो ज्वाइन ऑन टाइम थैंक यू सर थैंक यू मैम्स <laughs> 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 रेडमी करके एक पार्टिसिपेंट है वो मुझे प्लीज बताएं कौन है अपना नाम सर uh, आप लोग यू कैन टेक अ ब्रेक मैं uh, पूछ लेती हूँ रेडमी के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है प्लीज वो एक बार अपना मुझे चैट में बताएं या फिर हैंड uh, रेस करें या कुछ करें जिससे मुझे पता चले वो कौन है रेडमी के नाम से किसने ज्वाइन किया है प्लीज एक बार आ जाएं बाकी लोग आप लोग जा सकते हैं टी ब्रेक के लिए <coughs> और साथ ही अपनी अटेंडेंस मार्क करना ना भूलें हमने अटेंडेंस शेयर की है अनाउंस भी किया था रेडमी होस्ट कैन यू सी इफ यू कैन अलाउ हर टू स्पीक और हिम हु एवर इज दिस हरीश जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं आप थे रेडमी के नाम से हरीश जी थे मैम माई सेल्फ मनमोहन सर अपने आप को आप रीनेम कर लीजिए प्लीज चैट में आपने लिखा है मनमोहन uh, जी आप कहा से, एक, एक से, से है वो भी हमें बता दीजिए हम आपको रीनेम कर देते हैं क्योंकि आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं नहीं तो आग आपकी अटेंडेंस में इशू होगा प्लीज रीनेम हिमाचल से हैं मनमोहन जी होस्ट कैन यू प्लीज रीनेम रेडमी एंड यू कैन नोट डाउन फॉर द प्रीवियस सेशंस आल्सो ओके मैम एक पार्टिसिपेंट्स वीवो नाम से भी हैं वीवो नाम से वो. कौन है वीवो वीवो के नाम से कौन ज्वाइन किया है प्लीज अपना नाम चेक करिए वीवो मोनिका हाँ जी रूही बोल रही मैं दो फोन से हूँ हो सकता है ना कि एक से मेरी आवाज नहीं आ रही है एक तो पे, एक से मैं मतलब कमेंट्स कर रही हूँ दूसरा से मैं सुन रही हूँ अच्छा तो वीवो आप ही का होगा फ़ेस नहीं नहीं वीवो मेरा नहीं है मेरा नोकिया है उस पर भी मैंने अपने नाम से ही ज्वाइन किया है